तो अभी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ सर। यहाँ से मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने डबल एमबीए एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। और भगवान की कृपा से 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ। उससे पहले मेरा अपना बिजनेस था, लेकिन तो शायद डिवाइन को इस ऑकल्ट साइंस में लाना था तो बस मैं 2008 से ऑकल्ट साइंस में हूँ। और पिछले 10 सालों से 2011 से ये सारी साइंसेज मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब है, ये सारी साइंसेज मैं जानता हूँ। बीइंग ए टेक्निकल पर्सन ये सारी साइंसेज मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये बात है। अब इतनी सारी साइंसेज का पढ़कर फिर समझ में आता है कि वाकई में कुछ तो जान है इन साइंस में, हमारे ऋषियों की देन है ये सारी साइंसेस। और ये कोई भी साइंस आप पकड़ लीजिए, सिर्फ ऋषियों ने एक मानस के उत्थान के लिए हमें हमें थोड़ा आगे पता लग जाए क्या हो सकता है, इसलिए सारी साइंसेस बनाई है। तो इनका फायदा उठाओगे तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये मतलब है। तो अभी मैं एक तो सबको म्यूट कर रहा हूँ 10-15 मिनट के लिए, ताकि किसी का इंट्रैक्शन ना हो। तो और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर किसी को टैरो नहीं पता क्या होता है, क्योंकि मेरा मकसद जो पढ़े लिखे हैं ऑलरेडी टैरो जानते हैं उनको समझाने का नहीं है। अगर उनको कोई स्पेशल कुछ इंट्रैक्शन करना होगा तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मेरा नंबर आपके पास है। मैं एक ऐसा लेके चल रहा हूँ भाई, किसी को टैरो नहीं आता तो मैं टैरो होता क्या है, एक कार्ड को कैसे देखा जाता है, जिनको आता है वो भी सीख सकते हैं। आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको दूसरा नजरिया पता लगेगा कार्ड को देखने का भी। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। 10-15 मिनट में थोड़ा कार्ड के बारे में बताऊंगा, कैसे रीड किया जाता है, कार्ड होते क्या है। इसके बाद फिर 10-5 मिनट मुझे अपना इंट्रोडक्शन कि हम मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है। वैसे वो कल से लॉन्च होना था लेकिन कल कुछ इमरजेंसी काम आ गया तो हम इसको फिर मंडे से लॉन्च कर रहे हैं। तो मंडे से मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसकी क्या फीस रहेगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, क्या कोर्स मटेरियल है, वो 5-7 मिनट वो डिस्कस करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, चाहे किसी ने रीडिंग करानी है, चाहे कोई जनरल इंट्रेक्शन करना चाहता है। ठीक है, तो ये सेशन भी ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज, क्योंकि व्रत है और मेरे को अभी पूजा भी करनी है, क्योंकि 4 बजे से मेरी रेगुलर क्लास थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला व्रत की पूजा करने का। तो 10 बजे तक सेशन करेंगे, 10:15 तक। सबसे पहले तो देखिए टैरो कार्ड होते क्या है, मतलब किसी ने हो सकता है टैरो कार्ड ही ना देखे आज तक, तो मैं तो ये मान के चलूं किसी को कुछ नहीं पता। तो देखिए इस तरह के ये कार्ड होते हैं, कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे कार्ड को आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, तो कार्ड में क्या होगा, कोई पिक्चर बनी हो सकती है, कोई स्टैचू बना हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई जेस्चर पोस्चर होगा, कोई कलर कॉम्बिनेशन होंगे, सूर्य चंद्रमा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कार्ड के अंदर। तो कार्ड एक सिंपल कार्ड होते हैं, आपको आपको लगता है पता नहीं टैरो में क्या लिखा होता है, टैरो में कुछ नहीं लिखा होता। सबसे पहले तो बता दूं मैं, टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग, ये एक साइकिक रीडिंग है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं चलती। ठीक है, नॉलेज आपके काम आती है, जितना फील्ड जितना आप इस फील्ड में काम करते हैं, जितना आप टैरो को पढ़ते हैं, जानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सारी नॉलेज लगती है आपके टैरो में, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। टैरो एक साइकिक रीडिंग है और ये चंद्रमा के पर बेस्ड होती है, यानी कि मून पर बेस्ड होती है। दूसरा, अब कोई भी कार्ड आप देखते हैं, मान लीजिए पहला कार्ड है हमारा, हमारा ये जो हम राइडर वे टैरो डेक पर आपको कराते हैं, क्योंकि टैरो भी डेक भी बहुत तरह किस्म के आते हैं, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक या सबसे जो प्राचीन है वो है राइडर वे। तो हम अपने कोर्स में राइडर वे टैरो डेक कराते हैं, तो उसके अंदर 78 कार्ड होते हैं। तो उन 78 कार्ड में से सबसे पहला कार्ड है द फूल कार्ड। इसका नाम देखिए क्या है, द फूल कार्ड है और कार्ड का नंबर क्या है, 0। तो इसी तरह से सारे सारे 78 कार्ड आपके सामने होते हैं। अब उन्हीं कार्ड से प्रिडिक्ट किया जाता है। और ये भी आपको बता दूं मैं, हर क्वेश्चन का आंसर, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई भी टैरो रीडर कोई कार्ड को ड्रॉ करता है आपके लिए, 2 कार्ड 3 कार्ड जितने कार्ड से वो आपके प्रेडिक्शन करना चाहता है, जो भी कार्ड वो ड्रॉ करता है उस कार्ड का रिलेशन आपके क्वेश्चन से डेफिनेटली 100% होता है। क्वेश्चन भी वहीं पर ही है, प्रॉब्लम भी वहीं पर ही है, और वहां से सॉल्यूशन भी वहीं से मिलता है, उसी कार्ड से मिलता है आपको। तो मान लीजिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं,
या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो हर क्वेश्चन का आंसर हर कार्ड से दिया जा सकता है अगर वो कार्ड निकल गया है तो। और जैसे कि एक लेमैन या किसी इंसान को आर्ट नहीं पता, जैसे इतने बड़े बड़े पेंटर हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन एक आम इंसान अगर उस पेंटिंग को देखता है तो क्या कहेगा वो? अगर हम उसको बोलें कि भाई ये पेंटिंग लाखों की है, करोड़ों की है, तो कहेगा यार इसको तो मैं 10-20 रुपए के भी ना खरीदूं। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उस कंटेंट की, तो पिक्चर में बना क्या है। एक आर्टिस्ट की नजर से देखेंगे तो वो पहचान सकता है ये पिक्चर में हजारों मतलब है। इसी तरह से जो टैरो कार्ड होते हैं, हर कार्ड के एक हजारों मतलब हो सकते हैं। एक वन कार्ड इज वर्थ एटलीस्ट 1000 वर्ड्स, मतलब एक कार्ड के हजारों मतलब निकाल सकते हैं। सोचिए इस कार्ड को हजारों मतलब से बताया जा सकता है, इसके कलर से, इसके इसके ह्यूमन बीइंग से, सूर्य से, डॉगी से, चंद्रमा से, ठीक है, मतलब जो कार्ड के अंदर है उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि एक कार्ड के हजारों मतलब इसलिए निकलते हैं कि जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उस वक्त में अगर वो कार्ड ड्रॉ निकल कर आ रहा है तो उस कार्ड का डेफिनेटली आपके क्वेश्चन से सीधा सीधा कोरिलेशन बनता है। ठीक, तो जैसे हर कार्ड का एक नंबर होता है, हर कार्ड में आपको नंबर मिलेगा, हर कार्ड का एक नाम होगा, हर कार्ड के अंदर कोई ना कोई पिक्चर बनी होगी, हो सकता है किसी में ह्यूमन बीइंग है कोई, किसी उसमें ह्यूमन बीइंग ना हो किसी में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसे इस कार्ड को अगर मैं इंटरप्रेट करना शुरू करूं तो इस कार्ड को मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूं एक ही कार्ड के ऊपर, इवन तक कि इससे ज्यादा बोल सकता हूं एक कार्ड के ऊपर। ये कहां से आई नॉलेज? ये कार्ड को जब आप देखना शुरू करते हैं, कार्ड को जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको हजारों मतलब कार्ड पे नजर आते हैं, बताया ना, तो हजारों मतलब निकले हैं कैसे? जब आप कार्ड को मेडिटेट करते हैं तो कार्ड में से क्या क्या नजर आता है, इस टाइम जो आपको नजर नहीं भी आ रहा कुछ चीजें वो भी आपको नजर आनी शुरू होती है। तो हम अपने कोर्स में यही बताते हैं कि इस कार्ड को मेडिटेशन कैसे करना है, या जो चीजें दिख रही हैं, जो चीज नहीं दिख रही वो भी कैसे देखनी है इन कार्ड में से। तो कार्ड को मेडिटेट भी किया जाता है कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले देखिए कार्ड का नंबर है 0, कार्ड का नंबर नाम है द फूल। तो सबसे पहले इसी चीज को पकड़ लीजिए आप, 0 का मतलब क्या है? कार्ड का सबसे पहला कार्ड है, कार्ड का नंबर 0। हर इंसान की शुरुआत 0 से स्टार्ट होती है। जब आप पैदा होते हैं तो 0 साल के हैं, 0 दिन के हैं आप, 0 महीने के हैं आप, आपकी स्टार्टिंग 0 से होती है। इसलिए कोई डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना है, यहां से चंडीगढ़ जाना है, यहां से बॉम्बे जाना है, कहीं से भी, तो कहां से जर्नी स्टार्ट होगी? 0 से। कितने किलोमीटर? 1300 किलोमीटर जाना है। तो इसी तरह इंसान हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, हर इंसान की जर्नी 0 से स्टार्ट होती है। तो ये कार्ड क्या है? 0। इसका मतलब है जब भी ये कार्ड निकल कर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि कोई इंसान किसी भी फील्ड में कुछ ट्रैवल कर रहा है या अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 से, स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो कार का नाम क्या है? द फूल। द फूल का मतलब क्या होता है? द फूल का मतलब है बेवकूफ। आम भाषा में हम बोलते थे किसी को भी, यार तू तो बड़ा मूर्ख है, तुझे इतना भी नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं है वो पैदाइशी मूर्ख है या वो हर फील्ड में मूर्ख है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या हमने कोई उसको काम दिया था, वो काम वो ढंग से नहीं कर पाया, तो हमने बोला तू तो बड़ा फूल है यार। तो इसका मतलब है बाकी चीज में तो एक्सपर्ट है, हो सकता है किसी और फील्ड में उसको नॉलेज हो सकती है, लेकिन जो काम हमने दिया या जो काम उसने एट प्रेजेंट किया उस काम में वो मूर्ख है, यानी कि उसको नॉलेज नहीं है। हम मूर्ख किसको बोलते हैं? इसको नॉलेज नहीं है, या जिसको बहुत कम नॉलेज है उसको हम बोलते हैं मूर्ख, फूल। तो इसका मतलब जब भी ये कार्ड निकल कर आएगा, कोई अगर हमसे पूछेगी जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए कार्ड निकाल लीजिए, क्या मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ, क्या वो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा? और ये कार्ड अगर निकल कर आ जाता है तो सबसे पहले तो कार्ड ही बता रहा है 0, यानी कि कुछ काम आप स्टार्ट करने वाले हो, वो भी स्क्रैच लेवल से, 0 लेवल से। दूसरा द फूल कार्ड का नाम है, तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है आप काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कार्ड का ओवरऑल एनवायरमेंट पॉजिटिव है। सबसे पहले ये भी बता दूं, जो कार्ड निकल कर आता है कार्ड को टोटैलिटी में दिखाया जाता है, इसके कलर क्या है, पिक्चर्स क्या बनी हुई है, सूर्य चंद्रमा है, कोई डिप्रेसिव फीलिंग तो नहीं आ रही इस कार्ड से, नेगेटिव ट्रेट्स तो नहीं आ रहे कार्ड के अंदर, टोटैलिटी में कार्ड को देखो। जब टोटैलिटी में कार्ड को देखते हो तो इसका मतलब जो कार्ड का एनवायरमेंट है वही एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट उस इंसान के जीवन में चल रहा है जो कि वो सामने पूछने वाला है, जो करंट क्वेश्चन पूछने वाला है। जैसे कार्ड का अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है उस इंसान को काम करने के लिए या जो भी वो पूछने आया है उस क्वेश्चन के लिए एनवायरमेंट पॉजिटिव मिला हुआ है इस टाइम, ये मतलब होता है। दूसरा, जैसे वो उसने बोला कि मैं काम शुरू कर सकता हूँ, यस यू कैन डू, आप जरूर कुछ ना कुछ शुरू करोगे नया। दूसरा, उसको हम गाइडलाइन क्या देंगे, क्योंकि कार्ड द फूल का कार्ड है, तो हम ये बोलेंगे जो भी आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, कुछ भी, कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको बहुत कम नॉलेज है या बिल्कुल आप उस काम की नॉलेज नहीं रखते, क्योंकि कार का नाम है द फूल। आप शुरुआत तो कर रहे हो लेकिन आपको कम नॉलेज है, तो हम क्या राय देंगे, भाई किसी की आपने हेल्प लेनी है,
किसी को अपने करीब रखो, किसको रखो, अभी देखिए ये क्या कर रहा है, डॉगी साथ में चल रहा है, अब डॉगी को क्या बोला गया, सबसे फेथफुल प्राणी है ये, सबसे फेथफुल एनिमल है, ठीक है, आप सभी को पता है, तो इतनी सारी पिक्चरें बन चुकी हैं डॉगी के ऊपर, तो सबसे वफादार, तो इसका मतलब है हम ये बोलेंगे किसी वफादार इंसान को, ठीक है, जिसको आप मानते हो कि यार ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा वफादार है, उसको साथ रखो या पार्टनर बना लो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसकी देखरेख में, उसकी राय में आपने काम करना है, उससे सजेशन ले लो एक बार, या हम ये बोल सकते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो एक बार उससे आप कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज कम है जो आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई ट्रैवलिंग के लिए बच्चा पूछना था हमें फॉरन जाना है, बच्चे का वीजा नहीं लग रहा, तो जा पाएगा नहीं जा पाएगा, ये कार्ड बिल्कुल जा पाएगा, क्योंकि कार्ड की स्टार्टिंग हो रही है जीरो से, कार्ड पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बच्चा क्या करता है, बच्चे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर, अपना सारा एसेट्स लेकर, चाहे पढ़ने के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, ट्रैवलिंग के लिए जाता है ना, तो यहाँ भी क्या है, इसके पास सब कुछ है, पोर्टली अपनी, इसमें सब कुछ है, इसके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इसकी अपना स्टडी मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने कपड़े हो सकते हैं, इसके ट्रैवलिंग पे जा रहा है, निकल पड़ा है स्टिक लेकर, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, या आपने देखा है मजदूरों को अभी लॉकडाउन में, हर इंसान कैसे ट्रैवल कर रहा है, अपने कंधे पर सामान रखकर, तो ये इस तरह जा रहा है और ट्रैवलिंग कर रहा है, खड़ा नहीं हुआ, देखिए ट्रैवलिंग कर रहा है, इसका मतलब कुछ मूवमेंट होने वाली है आपकी लाइफ। ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड कार्ड भी पॉजिटिव है, कोई नया काम शुरू कर सकते हो उससे कार्ड भी रिलेटेड पॉजिटिव है। दूसरा, यहाँ पर देखिए सन पिक्चर नजर आ रही है आपको, पीछे सन, सन क्या पूरा निकला नहीं है, निकल रहा है सूर्य, सन भी क्या दिखाता है, सन भी ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा सुबह कब होती है, हमारा जीवन कब स्टार्ट होता है, रोज सुबह आपका जीवन स्टार्ट होता है, जब सूर्य ढल जाता है इसका मतलब है आपका दिन समाप्त हो गया, जब आप नींद में चले जाते हो इसका मतलब है आप अल्प मृत्यु में, यानी कि शॉर्ट टर्म डेथ हो गई आपकी, फिर सुबह उठते हो आप, नया जीवन स्टार्ट होता है, तो सूर्य से नई जर्नी देखी जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि सूर्य से नई जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये किसी भी नई जर्नी के लिए दी बेस्ट कार्ड है, ठीक है, तो ये इस तरह देखते हैं। दूसरा, घर से दूर जा रहा है, देखिए घर से दूर जा रहा है, इसका मतलब है कोई पूछे भी मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, क्या मैं बाहर पढ़ने जा सकता हूँ, यस यू कैन, आप जा सकते हो, देखिए रेजिडेंस पीछे रह गया, ये ट्रैवलिंग करके जा रहा है। दूसरा, ये देखिए हाथ में इसके कोई फूल है, फ्लावर्स भी कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का, ठीक, व्हाइट कलर का फ्लावर, व्हाइट फ्लावर हो या फ्लैग हो, कब यूज करते हैं, जब हमें किसी से पैचअप करना है, संधि करनी है ना, पीस का कार्ड है, पीस को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है आप किसी संधि के लिए भी जा सकते हो, किसी से कोई कंप्रोमाइज करना है उसके लिए भी मूवमेंट आप कर सकते हो। मान लीजिए किसी का लिटिगेशन चल रहा है और कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे, क्या होगा, क्या पैचअप हो सकता है, कुछ चांसेस बनते हैं, क्या होगा, और ये कहा निकल कर, तो हम उसको ये राय देंगे, यस पैचअप होने के बहुत सारे चांसेस है, आप इनिशिएट करो, ठीक है, कहीं ना कहीं समझौता आपका हो जाएगा, व्हाइट फुल ऑफ फ्लॉप्स, ठीक, शांति पीस आपको मिल जाएगा। तो कार्ड बहुत कुछ दिखाता है, कार्ड में क्या कलर पहने हुए हैं, आप देखिए इस इंसान को देखिए, ये फिगर आपको क्या नजर आ रहा है, एक ह्यूमन फिगर है, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पता लग रहा है कोई टीनेजर बच्चा है, क्योंकि इसके कपड़ों से, इसके क्लोथ से, इसके इससे पता लगता है कि भाई ये कोई यंग ब्लड है, टीनेजर बच्चा हो सकता है। अब इसको देखिए कितने कलरफुल कपड़े पहने हैं इसने, तो बच्चे पहनते हैं ऐसे। दूसरा देखिए, इसने सबसे पहले कपड़ा क्या पहना हुआ, व्हाइट कलर पहना हुआ, जो स्किन से बिल्कुल टच है इसके, इसका मतलब है पीस लविंग अपने आप है, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज का मतलब है, जब आप कोर्स में आएंगे तो आपको एक नंबर के मतलब क्या होंगे, कलर्स किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा कलर किस नंबर को, किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर क्या कहता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। किसी का पेन चल रहा है, प्लीज वो अपना कर्सर को संभाल कर रख लीजिए, थैंक यू, ठीक है। तो व्हाइट स्किन से पहला कलर व्हाइट है जो उसने नीचे पहना, देखिए नेक से पता लग रहा है, बाजू से पता लग रहा है, इसका मतलब है पीस लविंग इंसान है, शांति प्रिय इंसान है, ठीक। दूसरा क्या है, इसका हेड देखिए कहाँ पर है, हर एक चीज देखी जाती है इसमें, जेस्चर पोस्चर क्या है, आपका हेड ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है आप किसी डिवाइन में इतना फेथ करते हैं कि आप एज पर खड़े हैं लेकिन डर नहीं रहे, देखिए क्लिफ पर खड़ा है बिल्कुल, अगला पैर उठा सकता है, नीचे गिर सकता है, लेकिन किसी सिस्टम में, किसी डिवाइन में इसका फेथ है, ये भी बोल सकते हैं हम, या ये भी बोला जा सकता है कि ये बेवकूफ है, ठीक है। द फूल कार्ड का नाम ही है ना, कि नीचे चले जा रहा है, ऊपर नीचे गिर सकता है, एज पर खड़ा है, किसी क्लिफ पर खड़ा है, पहाड़ी के एज पर खड़ा है, लेकिन ऊपर देख रहा है, गिर भी सकता है, इसका मतलब ये बेवकूफ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कार्ड के बड़े सारे मतलब हो सकते हैं, इसने पैरों में क्या पहना है, पैरों में येलो कलर है, येलो कलर के क्या मतलब होते हैं, पीछे येलो कलर है, यहाँ पर ये रेड कलर है, एक एक कलर के मतलब होते हैं। तो कार्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन कलर को देखते हुए, पिक्चर को देखते हुए, ठीक है, कौन से सिंबल्स इस कार्ड में है, कौन से नंबर्स इस कार्ड में है, कार्ड का नाम क्या है, वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, इन टोटैलिटी को एनालाइज कर फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो इस तरह से कार्ड को देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं,
तो इसलिए बोला जाता है कि एक एक चीज मैटर करती है। इसका लेफ्ट हैंड क्या कह रहा है, राइट हैंड कहाँ पर है, कौन सा पैर एक्टिव है, लेफ्ट एक्टिव है राइट एक्टिव है, इसका जेस्चर क्या है, हेड ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, कहाँ पर है हेड, तो सारी चीजें आपको देखनी होती है कार्ड के अंदर। तो कार्ड आपको प्रेडिक्ट करके बताता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस वक्त में कार्ड को देखकर रीडर के दिमाग में सबसे पहला क्या आया इस कार्ड को देखकर, तो वो वहां से क्लू लेता है, डिवाइन इसको एक हेल्प देती है और उस हेल्प को लेकर उस थॉट को लेकर वो आगे प्रेडिक्शन करता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कार्ड को कैसे देखना। ये तो था वन कार्ड। अब इसी तरह दो कार्ड को रिप्रेजेंट कर किया जाता है, ये वन कार्ड से कोई रीडिंग देनी है, अब दो कार्ड से कोई रीडिंग देनी है। ठीक है, ये कार्ड ये निकला, एक कार्ड ये निकला, तो कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो हम दो कार्ड का कोरिलेट करते हैं। किसी ने पूछ लिया जी मैं शादी करना चाहता हूँ, एक रैंडमली क्वेश्चन दिमाग में कोई भी आ सकता है, शादी करना चाहता हूँ क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कार्ड है पहला, देखिए जीरो, इसका मतलब शादी नहीं हुई है पहले, अब नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आप बैचलर लाइफ थे, अब आप क्या कर रहे हो, आप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होने जा रहे हो, तो उसके लिए भी कार्ड बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका मतलब है दुल्हन के लिए निकले हो या दूल्हे के लिए आप निकले हो, आप निकले हो या घर वाले निकले, कोई भी निकला। ठीक है, पहले बात तो ये, फिर क्या है यहाँ पर, ये नजर आ रहा है तो क्या क्वेश्चन पूछा गया उससे कोरिलेट कर कर हम पहले कार्ड को कोरिलेट करते हैं, उसके बाद दूसरे कार्ड पर पहुंचते हैं। दूसरा कार्ड क्या है, एट सेवन, सेवन क्या नंबर है, सेवन नंबर किसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस सेवन नंबर के अपने मतलब अलग है, पर एक ही इंसान नजर आ रहा है, ये हाथों पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि जब तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, अगर आपको शादी करनी है तो यू हैव टू मूव, आपको मूवमेंट दिखानी पड़ेगी, चाहे न्यूज़पेपर में आप एड दीजिए, किसी वेबसाइट पे आप कनेक्ट कीजिए, अपने रिश्तेदारों में बोलिए, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक आप, जब तक हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे तब तक आपको जीवन साथी नहीं मिलने वाला, ये मतलब। ठीक है, मतलब इसी कार्ड से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आंसर दिया जा सकता है, लेकिन वो है कि पहले आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद कार्ड निकलते हैं, तो इसका भी कोरिलेशन है। हम अपने कोर्स में आपको ये तक बताते हैं कि रीडिंग आती कैसे है, कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप कार्ड रीडर रीड कर रहा है तो वही कार्ड निकल कर क्यों आता है, उसी से आंसर कैसे दिया जा सकता है, तो इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है, कौन सा लॉजिक काम करता है, तो वो आपको पूरा कोर्स के अंदर बताया जाता है कि कैसे कैसे आप कार्ड को पकड़ेंगे, कैसे उसी थॉट को पकड़ेंगे, कैसे इसमें से प्रेडिक्शन निकालेंगे। जब उन्होंने बताया कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, तो आपने क्या बोलना है उस वक्त, तो सारी सारी चीजें कोर्स में आपको बताई जाती है। ठीक, तो इस तरह से ये थोड़े से दो कार्ड, तीन कार्ड, चार कार्ड, इनके बड़े। अब जैसे ये कार्ड है, देखिए अब ये कार्ड निकलकर आ गया किसी का, ये थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, 78 कार्ड में से सोर्ड्स की कार्ड है, तीन नंबर का कार्ड ये। अब इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, पहले तो एनवायरमेंट देखो, देखो पीछे एनवायरमेंट देखो, क्या नजर आ रहा है आपको, बादल। ठीक है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे रेनी सीजन होता है ना, बड़ा धूमधड़ाके वाली बारिश, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, जब पिक्चर में कोई सीन को क्रिएट करना होता है क्या होता है, बारिश होती है झमाझम, तो यही सीन के पीछे क्रिएट किया गया, बादल है, बारिश बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है ना, और आगे क्या है, एक हार्ड बना हुआ है उसमें तीन तलवारें डली हुई है, इसका क्या मतलब है, ये तो सबको समझ में आता है कार्ड, चाहे किसी को टैरो आता हो ना आता हो, कभी कोई दिल का मामला है और दिल टूटा है किसी का। ठीक है, सीने में खंजर घोपना, एक कहावत है ना, अब सीने में खंजर कौन घोपेगा, मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछने आया कि जी मैं उससे बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मेरा पार्टनर है, वो कैसा है मेरे लिए, तो इसका ये कार्ड निकल कर आ जाए, इसका मतलब है ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई आपके इतना करीब है जो कि आपके सीने में खंजर घोंप सकता है, सीने में, सोचिए पीछे से वार करे तो कोई बात नहीं आपको पता ही नहीं है, लेकिन सामने आके कौन कौन वार कर सकता है, आपके इतने क्लोज में दिल पर वार कौन कर सकता है, जिसके आपका, जिसके ऊपर आपका पूरा फेथ होगा। इसका मतलब है ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको जल्दी ही कोई धोखा देने वाला है जिस पर आपका बिलीफ सिस्टम होगा, जिस पर आप विश्वास करते होंगे, क्योंकि विश्वास करेंगे तभी इतना क्लोज आएगा कोई, चाहे दिल में आए या फिजिकली करीब आए, तो वही तो आपके सीने में मतलब खंजर घोपेगा, तो इसका मतलब कोई दिल टूटने की बात है, कोई आपके, कोई जिस पर आप विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा फेथ कर रहे हैं, वही आपको धोखा देगा, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से कार्ड आपको सिचुएशन के हिसाब से, प्रश्न कुंडली के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से वही कार्ड निकलेंगे। अब इस वही कार्ड क्यों निकलते हैं, इसके पीछे कौन से लॉजिक है, वो आपको कोर्स में बताया जाता है, सिखाया जाता है, क्योंकि मैं साइंटिफिक इंसान हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हर चीज मैं उसी लेवल पे सोचता हूँ। अब जैसे ये कार्ड है, मान लो दो कार्ड से है, कोई पूछे जी मेरा मकान बन जाएगा, मैं मकान बनाना चाहता हूँ, बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, मकान बन जाएगा, यस बिल्कुल, ये कार्ड ही कह रहा है मकान बन जाएगा। पहली बात तो देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है, ये दो इंसान है आपस में से एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दूसरा, जब भी आप मकान बनाते हो तो क्या करते हो, चार पिलर डालते हो, सबसे पहले चार दीवारी खड़ी करते हो, है ना, चार पिलर, कभी देखना चार पिलर सबसे पहले खड़े करोगे आप कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले, क्योंकि
तो यहां पर क्या है, चार पिलर खड़े हो, ये देखिए इसका मतलब मकान बनने वाला है। दूसरा यहां से यहां कुल मिला के सेलिब्रेशन का टाइम आ गया, चार पिलर खड़े हो गए हैं, ठीक है जी आपका मकान बनने वाला है। दूसरा एट ऑफ पेंटाकल का कार्ड आ गया, यहां पर भी क्या हो गया, एट, एट का मतलब शनि, शनि का मतलब रॉ मेटेरियल, मकान, मकान में जो रॉ मेटेरियल यूज होता है दैट इज सैटर्न। तो यहां से हमने ये पकड़ लिया, क्योंकि हमें ज्योतिष की भी नॉलेज है तो हम वो भी लगा लेते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूं तो वो भी नॉलेज लगा लेते हैं। दूसरा क्या है, काम हो रहा है यहाँ पर, वर्क, वर्क हो रहा है, ठीक है क्या, पेंटाकल पैसे, पैसे के लिए काम हो रहा है, पैसे खर्च हो रहा है या पैसा बन रहा है, तो किसका मतलब है आप घर में कोई टूट फूट करा सकते हो, काम करा सकते हो, वर्क कॉलिक, एक बंदा काम कर रहा है ना, और यहां से घर समझ में आया, एक चार पिलर खड़े हुए, इसका मतलब है घर बनाने का टाइम। तो इस तरह से चीजें हम कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कोरिलेशन फिर आपको टाइम टू टाइम आता है, जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, हम आपको तरीके तो बता देते हैं लेकिन 10-15 दिन महीना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोरिलेट करना कार्ड को सीख जाएंगे। तो इस तरह दो कार्ड, तीन कार्ड, चार कार्ड, पांच कार्ड, इवन तक कि 12-12 कार्ड से रीडिंग की जाती है। तो हमारे कोर्स में बेसिक से लेकर बिल्कुल बेसिक, मैं कहता हूँ टैरो का अगर आपने नाम भी नहीं सुना ना तो 12-15 दिन के अंदर मैं आपको इतना सक्षम बना देता हूँ कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीख जाते हो। फिर हमारा ग्रुप बना रहता है, उसमें 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछना है उसमें पूछते रहिए मेरे से। लेकिन हमारी लाइव क्लासेस 12 से 15 क्लासेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्ड है। अब एक कार्ड के बारे में थोड़ा और बताता हूँ कि टैरो, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि भाई ज्योतिष और टैरो में क्या डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, ज्योतिष मुझे करे 12 साल हो गए, 13 साल, ठीक है, आज भी शायद हम वहीं खड़े हैं जहां शुरुआत हुई थी। क्योंकि ज्योतिष तो इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है कि हमारे गुरु ने बताया कि 7 जन्म भी ज्योतिष पढ़ेंगे तो भी कम है। इसका मतलब ये नहीं प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रेडिक्शन भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन इतना गहन ज्ञान है, ज्योतिष इतना बड़ा फील्ड है, कंटेंट कंटेंट पढ़ने के लिए कम से कम 1-2 साल चाहिए आपको कंटेंट पढ़ने के लिए। तो मेरे यहाँ जो भी ज्योतिष पढ़ने आता है, मैं पहले ही क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ कि भाई मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है, आपने ज्योतिष सीखना है तो कम से कम 1 साल मुझे देना पड़ेगा कंटेंट के लिए, साथ साथ जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी मैं आपको प्रेडिक्टिव पार्ट सिखाता रहा। तो ज्योतिष में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, इतनी सारा कंटेंट है कि सोच नहीं सकते आप, ठीक है। तो कंटेंट पढ़ने के लिए टाइम तो चाहिए, उसके बाद फिर आप उसको लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे तो प्रेडिक्टिव पार्ट में 1 साल के बाद ही प्रेडिक्शन में जाएंगे। टैरो में सबसे खास बात यह है, सबसे खास बात मुझे मेरे दिल के करीब इसलिए टैरो बहुत ज्यादा है, अब आज की डेट में, आज की ऑरा के अंदर सबको जल्दी चाहिए कुछ ना कुछ, तो सिर्फ एक टैरो ही ऑकल्ट साइंस में एक ऐसी साइंस है जिसको आप 15-20 दिन सीख कर, 15-20 दिन महीना प्रैक्टिस कर 2 महीने के अंदर आप प्रोफेशनल लेवल पर तैयार हो सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि पिछले 5-6 महीने के अंदर कम से कम 500-550 स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ टैरो, टैरो की सितंबर, पिछले सितंबर से लेकर और अभी जुलाई, ये अपना अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो और सारे सारे प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, भगवान की ऐसी कृपा है उन्हीं के ऊपर, मेरे ऊपर तो खैर है ही है, उनके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा रही जो सिखाया, अच्छे से प्रैक्टिस की उन्होंने, और आज कमर्शियल एंगल पर सारे सारे लोग एक अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा नेम फेम कमा रहे हैं। लेकिन किसी और किसी भी साइंस में, अगर न्यूमरोलॉजी भी आप पढ़ते हैं तो ठीक है, 15-20 दिन का कोर्स करेंगे उसके बाद भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। पामिस्ट्री आप 1-2 महीने का कोर्स करेंगे तो उसके बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको, साल बाद आप परफेक्ट होते हो। लेकिन टैरो एक ऐसी साइंस है, आप 15-20 दिन में कर और 15-20 दिन एक हमारे जो गाइडलाइंस मैं आपको देता हूँ वो फॉलो कर लो, 1 महीने के अंदर आप प्रोफेशनली रीडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हो। और ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये मेरे को फीडबैक मिलता है मेरे स्टूडेंट से, बताया पिछली 500-550 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ अभी 5-6 महीने के अंदर, ठीक है। तो यहां से पता लगता है। दूसरा, टैरो रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है, एक तो पहले सबसे पहला एडवांटेज बताया मॉनेटरी मैंने, और सबसे कम टाइम में आप उसको सीख सकते हो। दूसरा, करेक्टर एनालिसिस बिना किसी नॉलेज के, देखिए ज्योति जब आप पढ़ते हैं ना बहुत सारी साइंस पढ़नी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी भी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी साइंस पढ़नी पड़ेगी, लेकिन टैरो में अगर बहुत ज्यादा साइंस आप जानते हो तो इस टैरो को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको अपने टैरो के अंदर ये भी बताता हूँ कि इस टैरो में ज्योतिष का कैसे यूज करना है, इस टैरो में न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज करना है, इस टैरो में पामिस्ट्री का यूज कैसे करना है, इस टैरो में वास्तु का यूज कैसे करना है, इस टैरो में क्रिस्टल हीलिंग का कैसे यूज करना है। अगर आपको ये सारी साइंस नहीं आती तो मैं अपने कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाता, इतनी सिखाता हूँ जितनी इसमें यूज कर आप उसको पकड़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप जानते नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं आपको। तो करेक्टर एनालाइज, किसी का करेक्टर एनालाइज करना हो तो टैरो बहुत अच्छा मीडियम है, टैरो से 1 मिनट में पता लगता है सामने वाला है क्या। ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांकना है किसी के, कुछ चीजें ज्योतिष से नहीं पता लगती, टैरो से पता लग जाती है, इसलिए टैरो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टूल है। तो ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी के साथ, नियर फ्यूचर में, तो बहुत अच्छे से टैरो से आप पकड़ सकते हो।
सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, मतलब अभी किसी इंसान के जीवन में क्या चीज चल रही है, ठीक है, उसको पकड़ना है और उसका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो टैरो से पता लग जाता है। दूसरा, हेल्पिंग इन मेडिटेशन। देखिए, जब कभी भी आप कोई भी साइंस सीखे, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, कुछ भी आप सीखो, जब आप प्रेडिक्टिव पार्ट करने जाते हैं तो वहां पर एक डिवाइन की जरूरत आपको पड़ती है, एक साइकिक की जरूरत पड़ती है, एक इंट्यूशन इंट्यूटिव पावर की जरूरत पड़ती है। आप कंटेंट से प्रेडिक्शन नहीं होती कभी भी, ये ध्यान रखना। कंटेंट जितना मर्जी पढ़ लेना, कंटेंट से प्रेडिक्शन नहीं होगी। कंटेंट हेल्प करता है प्रेडिक्शन के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए आपकी इंट्यूटिव पावर, साइकिक पावर अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे होगी, वो आएगी मेडिटेशन से। तो टैरो कार्ड सबसे अच्छा मीडियम है मेडिटेशन सीखने का, करने का सबसे अच्छा मीडियम है। तो टैरो में कैसे मेडिटेशन की जाती है, टैरो से आप मेडिटेशन करेंगे, टैरो को सामने रखकर क्या स्पेल करना है, कैसे देखना है, कैसे मेडिटेशन करनी है, वो पूरा कोर्स में सिखाता हूँ। इससे दो फायदे होते हैं आपको, एक तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आपकी साइकिक डेवलप होती है, आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाती है, और कार्ड की साइकिक में उतर जाते हो आप। जब मैं बता रहा हूँ ना, कुछ ये ऐसी है कार्ड को मैं अभी देखोगे नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे कार्ड को देखते रहोगे, कार्ड में से बहुत चीजें अपने आप डिकोड होनी शुरू होती है। तो किसी भी साइंस में आप जाते हो, आप ज्योतिष करते हो, तो वहां भी इंट्यूटिव पावर की जरूरत है। तो टैरो आप सीख लेते हैं, तो टैरो में मेडिटेशन करना मैंने सिखा दिया, तो आपका ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जो भी आप साइंस पढ़ते हैं आगे, आपको उसमें हेल्प मिलती है प्रेडिक्टिव प्रेडिक्शन करने में। फिर डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, ये तो मैंने आपको बताया। एट द लास्ट आपकी इंट्यूशन काम करती है, नॉलेज के साथ इंट्यूशन पावर नहीं है, तो नॉलेज सिर्फ किताबों में रह जाएगी, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे किसी भी। तो इस इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने के लिए आपको टैरो सबसे अच्छा टूल है। इससे इजी वे कोई नहीं है अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने का या मेडिटेशन करने का, सबसे इजी। ठीक है, तो ये हमारा जो हम डेक यूज करने वाले हैं वो राइडर वेट टैरो डेक है। तो राइडर वेट टैरो डेक इज इजीएस्ट टू वर्क एंड इजी टू लर्न एंड इजी टू टीच। तो ये बहुत आसान है सीखना सिखाना, यहाँ से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद तो एंडलेस है, जितनी मर्जी आप पढ़िएगा। लेकिन हम अपने कोर्स में आपको इतना पढ़ा देते हैं कि आपको इतना भी पढ़कर आप काफी है, फिर तो अपनी नॉलेज के लिए जितना मर्जी पढ़ते रहिए। ठीक है, वो आपको सारा कोर्स में बताया जाएगा किसने डेवलप किया, क्या किया। इंट्रोडक्शन है टैरो का। द टैरो डेक, टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स। जो राइडर वेट की हम बात करें, इसमें जिस तरह आपको मैंने दो तीन कार्ड आपको दिखाए हैं, इस तरह के 78 कार्ड्स होते हैं टोटल। और इन कार्ड्स में है क्या, कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशियंट कल्चर। तो बहुत सारे प्राचीन कल्चर से इनमें सिंबल्स, पिक्चर्स, सन, मून, नंबर्स, नाम, ये सब डाले गए हैं। दी 78 कार्ड्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर, टू मतलब इंटू पार्ट, 22 मेजर रखना कार्ड्स एंड 56 माइनर रखना कार्ड्स। ये जो 78 कार्ड्स हैं, इनके दो सेक्शन बना दिए गए हैं। एक सेक्शन को बोला है मेजर कार्ड है, ठीक है, वहां पर 22 कार्ड रख दिए हैं, और एक सेक्शन में हमें कितने कार्ड रखे, 56 कार्ड रखे, इसको बोला माइनर कार्ड है। अर्कना का मतलब होता है सीक्रेट्स कार्ड, ठीक है। तो ये सारे सारे सीक्रेट कार्ड हैं, कुछ मेजर कार्ड हैं, कुछ माइनर कार्ड हैं, ठीक है। अगेन माइनर जो कार्ड है 56, इनको अलग अलग सेट बना दिए, 14 कार्ड ईच। तो उन सेट्स के नाम है पेंटाकल, कप्स, वांड्स एंड सोर्ड्स, ठीक है। तो इन्हीं से प्रेडिक्शन होती है फिर सारी सारी, कि इनको इंडिविजुअली कैसे रीड करना है, कंबाइन करके कैसे यूज करना है, तो सारा कोर्स में सिखाया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको, हर एरा के अंदर कोई ना कोई सबका टूल रहा है, उन लोगों का, हर सिविलाइजेशन में कोई ना कोई प्रेडिक्शन करने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए कोई ना कोई टूल यूज करते हैं। जैसे कलयुग में हम क्या कर रहे हैं, कलयुग में तो बहुत सारे टूल हैं हमारे पास, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इसलिए हर एरा के अंदर कुछ ना कुछ टूल रहे हैं। तो टैरो भी एक टूल था, ठीक है, और ये आपका नहीं है, ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन वो किसी गेम के रूप में था पहले, फिर इसको ऑथेंटिसिटी मिली या लोगों ने इसको लेकर आए, तब जाके ज्यादा प्रचलित हुआ। तो कहाँ से आए हैं कार्ड, ये सब सारा कोर्स में सिखाया जाता है। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कहाँ से कार्ड आए हैं, कार्ड कैसे काम करते हैं, इसके पीछे क्या नॉलेज है, जब तक आपके वाई क्लियर नहीं होगी तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपका कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कार्ड को जान जाते हो, कार्ड कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें कार्ड में आपको, सबसे पहले कार्ड आपको इसी तरह पढ़ाए जाते हैं, एक कार्ड होगा उसके क्या प्रॉब्लम मीनिंग है, 10 मीनिंग यहाँ लिखे होंगे, 20-30 मीनिंग में आपको कार्ड को प्रेडिक्ट करके बताता हूँ कि द फूल कार्ड का नाम है तो इसका मतलब है बिगिनिंग, ठीक है, कोई शुरुआत हुई है, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी है, फेथ है, ये फेथ का कार्ड भी, इनोसेंस का कार्ड है, टास्क विद लिटिल और नॉन नॉलेज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है इस कार्ड के अंदर। देखिए, रिस्क ले रहा है, एच पर खड़ा हुआ है, गिर सकता है लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है, ऊपर देख रहा है, नीचे चल रहा है, जिसको मतलब रिस्क ले रहा है ना, तो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी है इस कार्ड के अंदर, ठीक है। अपरेंट फूल ही है, गोइंग योर ओन वे, अपने रस्ते चले जाना,
तो ये सारे सारे कार्ड आपको क्या प्रॉब्लम मीनिंग है, कैसे निकलेंगे मीनिंग इसके, तो आपको कार्ड के अंदर समझाया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि कार्ड के साथ साथ हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, कब से लॉन्च हो रहा है और क्या है। वैसे तो 15 से लॉन्च था, लेकिन कल कुछ काम आ गया है और एक दिन क्लास करने के बाद फिर गैप आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्लास जो होती है मेरे मंडे से फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज मैं नहीं कराता। जो मेरे लंबे कोर्स चलते हैं ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी के, 3-3, 6-6 महीने के, तो मैं सैटरडे संडे पढ़ाता हूँ, तो सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। तो ये वाला कोर्स जो है अब हमारा 19 को लॉन्च हो रहा है, 19 अप्रैल को। कोर्स का टाइम रहेगा 6 to 8, टोटल मिनिमम 12 क्लासेस होंगी, 12 से 15 क्लासेस होंगी, मिनिमम 12 होंगी, मैक्सिमम 15 क्लास होंगी। तो इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक है आपका, ठीक है। जैसे मंडे से शुरू होगा तो मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे ऑफ, फिर मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे ऑफ, फिर मंडे से आगे 2-4 दिन जो भी हमारे लगेंगे। तो इस तरह से रेगुलर हमारी सैटरडे संडे छोड़कर 12 से 15 क्लासेस का कोर्स है पूरा ये। 6 to 8 शाम को 2 घंटे क्लास होगी। इस कोर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज है 7999, और ये बहुत कम हो गया। पहले हम इसको 2 पार्ट में पढ़ाया करते थे, पहले बेसिक कराते थे 4 से 5 हजार रुपए में, और फिर 6 से 7 हजार रुपए में हम एडवांस कराया करते थे। लेकिन अब हमने टोटल एक ही कोर्स बना दिया है। पहले 4 दिन का बेसिक होता था, 4 या 5 दिन का, फिर 7-8 दिन का एडवांस पढ़ाते थे, लेकिन अब हमने एक ही कोर्स कर दिया 12 दिन का। फीस हमने 7999 रखी। तो 7999 में आप रेगुलर 12 से 14 क्लासेस अटेंड कर कर एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो। और कोर्स कंटेंट क्या रहेगा और उसमें क्या क्या सिखाने वाले हैं वो आपको पता लगेगा। दूसरा, इसके साथ एक हम हमेशा मैं मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की। कभी मैं 1000 या 500 कैश डिस्काउंट देता हूँ। इस बार हमने आपके लिए लेकर आए हैं, मेरी एक वर्कशॉप आ रही है, मैजिकल रेमेडियल वर्कशॉप ऑन रुद्राक्ष गोमती चक्रा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको ना रेमेडी देनी आनी चाहिए। रेमेडी अगर आपके पास होगी, कि भाई रेमेडी आपके ऐसा टूल होते हैं, हर इंसान प्रॉब्लम नहीं जानने हैं, वो रेमेडी जानने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेमेडी पर्पस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। तो इसलिए मैं आपके लिए इस बार 21 रुपए की मेरी वर्कशॉप होती है, मैं दुनिया के लिए तो 21 रुपए होगी, लेकिन जो भी मेरे इस टैरो कोर्स में ज्वाइन करता है तो उसके लिए कोर्स फ्री है। इसका मतलब यह है, इस बार मैं कोई 500 रुपये 1000 रुपये कैश डिस्काउंट नहीं कर रहा आपको। आपको 21 रुपए की मेरी वर्कशॉप में आप अटेंड कर सकते हो। ये अभी मई के अंदर लॉन्च होगी। तो जो भी मेरे टैरो कार्ड में अभी एनरोल कराएंगे, ठीक है, उनके लिए 2100 की रुद्राक्ष एंड गोमती चक्रा से कितनी तरह के डिफरेंट रेमेडीज आप बना सकते हो, बहुत सारी रेमेडी है हमारे पास, तो वो आपको सिखाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर। तो लोग 2100 देकर ज्वाइन करेंगे, और जो अगर आप टैरो ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए ये वर्कशॉप फ्री है। तो आपके 2100 का ये आपको गिफ्ट आपको एक मिलता है। अब इसमें कोर्स कंटेंट में हम क्या कराने वाले, सबसे पहले तो देखिए मीनिंग ऑफ 78 कार्ड। इन 78 कार्ड से एक एक मीनिंग, जैसे मैंने आपको एक दो कार्ड चार्ट बताए हैं, अभी कार्ड बताए हैं कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो टोटल पहले आप कार्ड को इंटरप्रेट करना सीख लो, कार्ड के मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं। तो मेरा जो 12 क्लासेस हमारी होती हैं, उसमें से 5 या 6 क्लासेस में मैं 78 कार्ड के क्या मीनिंग हो सकते हैं, इनको कैसे रीड करना है, कैसे कलर पिक्चर नंबर, ठीक है, जेस्चर पोस्चर क्या दिख रहा है, उसको कैसे रीड करना है, तो वो आपको सिखाया जाता है। ये समझ लिया, अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया फिर तो आप मिरेकल कर सकते हो, आप एन नंबर टाइप के आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर कार्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे कार्ड को आगे प्रेडिक्टिव पार्ट में यूज करोगे। तो मेरा मेन फोकस होता है 78 जो कार्ड्स हैं पहले प्रोबेबल मीनिंग बताएं। तो ये सारे मीनिंग है 22 कार्ड, 56 कार्ड, 56 कार्ड के 4 सेट, उनके नाम क्या क्या होते हैं, तो वो आपको एक एक कार्ड आपको समझाया जाता है पहले, उनके प्रोबेबल मीनिंग क्या हो सकते हैं, वो कार्ड क्या कह रहा है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, ठीक है, कुछ मैंने बता दिया, कुछ बताएंगे आपको। मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मीनिंग क्या है, एडवांटेज कुछ मैंने बताई आपको, कुछ आगे डिस्कस करेंगे। टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हाउ द टैरो कार्ड वर्क। अगर आपको ये नहीं पता टैरो कार्ड काम कैसे करता है तो रीडिंग नहीं कर पाएंगे कभी, ये बता दूं मैं आपको लॉजिकली साइंटिफिकली इसके पीछे कौन सी साइंस यूज होती है वो आपको बताता हूँ, किस कैसे टैरो काम कर रहा है। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। टैरो कोई रीडिंग कोई मजाक नहीं है, कहीं भी बैठकर आप कर ले, इसके लिए अपने आप को, अपने एनवायरमेंट को, अपने ऑरा को एक प्रिपेयर करना पड़ता है, तब रीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं है, चलते चलते आप 2+2=4 कर दो, आपका माइंड सेट कंट्रोल में नहीं है, आप उदास तो वैसे ही हो, कोई झगड़ा करके बैठे हो, तो रीडिंग नहीं होगी आपकी, क्योंकि इसके लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो मेंटल एनवायरमेंट है, फिजिकल एनवायरमेंट है, या वास्तु एनवायरमेंट है, आपके आसपास का एनवायरमेंट है, तब जाके रीडिंग होती है। तो कैसे करें, शुरुआत कैसे होगी, तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है रीडिंग करने से पहले। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग का मतलब है जिस जगह पर आपको रीडिंग करेंगे
वहां का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, वहां कौन सी चीजें रखनी है, कौन से कलर यूज करने हैं, किस तरफ फेस करके, किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, किस दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, किस दिन रीडिंग आपकी खराब जाएगी, उस दिन में भी कौन से घंटे आपकी रीडिंग सही जाएगी, कौन से घंटे आपकी रीडिंग खराब जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता है, ये मैं आपको बताता हूं और आपको सिखाता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें मैं ज्योतिष का यूज करता हूं, इसमें ज्योतिष का यूज होता है कि कौन से दिन आपके लिए बढ़िया है, वो पर्टिकुलर आपके कुंडली के हिसाब से मैं बताता हूं कि आपको इस दिन रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये रीडिंग कहां से आ रही है, चंद्रमा बेस्ड, तो गोचर में, यानी कि आज का चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां का ट्रैवल जब करेगा तब आपको रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि चंद्रमा का आपका खराब है, जब जहां जहां पर आएगा बताऊंगा आपको कि इस दिन आपका चंद्रमा इन भावों में जा रहा है तो ये आपके लिए दिन ठीक नहीं होंगे, क्योंकि रीडिंग आ रही है साइकिक चंद्रमा से, अगर आपका चंद्रमा ही ठीक नहीं है तो कहां से रीडिंग आएगी, उस दिन रीडिंग आपकी अच्छी नहीं जाएगी। तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि लिखवा दूंगा आपको कि चंद्रमा जब इन इन राशियों में आएगा तो उस दिन रीडिंग को अवॉइड करना, अगर उस दिन रीडिंग करनी भी पड़े तो दिन के इस घंटे में रीडिंग करनी है, क्योंकि जिस तरह 24 घंटे होते हैं ना, तो हर घंटे किसी ना किसी प्लैनेट उस घंटे पर रूल कर रहा है, फिर आपकी कुंडली के हिसाब से वो प्लैनेट क्या है वो सारा आपको बता देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लो, फिर उस दिन आप रीडिंग करिए, मजा आ जाएगा आपको रीडिंग करके। अब ये कोई और नहीं बता पाएगा टैरो रीडर सिखाने वाला, क्यों? क्योंकि उसने ज्योतिष नहीं पढ़ा, ये मतलब होता है। फिर वास्तु कैसे करना है, शफलिंग ऑफ कार्ड की शफलिंग कैसे करनी है, कार्ड की कटिंग कैसे करनी होती है आपने, फिर एडवांस्ड कुछ टेक्निक है, ये तो सिंपल टेक्निक है, वन कार्ड से रीडिंग कैसे करनी है, टू कार्ड से रीडिंग, थ्री कार्ड, फोर कार्ड, फाइव कार्ड, फिर मैं आपको इतना सक्षम बना देता हूं कि आप अपने हिसाब से पैटर्न बनाना सीख जाते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको लेमन बनाने का नहीं होता, मेरा आपको मकसद है कि आपको एजुकेट इतना कर दूं कि आप अपने आप से आगे अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सके, मेरा मकसद ये रहता है। ये तो है बेसिक। फिर है एडवांस टेक्निक ऑफ टैरो रीडिंग, कुछ एडवांस टेक्निक होती है रीडिंग करने के लिए, तो उसमें थ्री कार्ड स्प्रेड से किसी को यस और नो बोलना है किसी के लिए कैसे बोलेंगे, पांच कार्ड का यूज करते हुए यस और नो बोलना है कैसे करेंगे, फिर एक बहुत स्पेशल स्प्रेड है होल शू स्प्रेड, तो एक स्प्रेड बनता है एक तरीके से बनता है एक स्प्रेड, ठीक है, एक पैटर्न बनता है कार्ड से, तो उस कार्ड को पैटर्न बनाकर कैसे उसका यूज करेंगे, कैसे प्रेडिक्शन करेंगे उस कार्ड से। फिर वन ईयर स्प्रेड, मतलब एक साल किसी के बारे में बताना है कि आप माले मेरे से आप अभी अप्रैल में पूछने आते हो तो एक साल का मैं आपको बता सकता हूँ कि अप्रैल में क्या होगा आपके साथ, मई में क्या होगा, जून में, जुलाई में, इस तरह आपकी एक साल की रीडिंग दी जा सकती है। फिर कुछ सेवन सिस्टर स्प्रेड होते हैं, रिलेशनशिप स्प्रेड है, एक स्प्रेड हम करा देते हैं। फिर सेवन चक्रा, चक्रा स्प्रेड में आपको कैसे चक्रा चार्ज करने हैं, ठीक है, तो अगर आप हीलिंग साइड से हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कार्ड से कैसे चक्रा को कोरिलेट करेंगे और कैसे अपने चक्रा को चार्ज करेंगे कार्ड से, तो भी आपको सिखा दिया। फिर दूसरा, अगर हमारे बीच में कोई टैरो रीडर है तो मेरी बात को आसानी से समझ सकता है। टैरो कार्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, जो रीडर फेस करता है, वो होता है टाइमिंग का, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपने देखा कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कार्ड में बड़ा आसानी से बताया सकता है कि आपका काम होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत से होगा, परेशानी से होगा, इजी गोइंग हो जाएगा, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम टाइम फ्रेम करते हैं कि कब होगा, उसके अंदर कोई रूल नहीं है। टैरो कार्ड के माध्यम से कुछ एक तरीके हैं बताने के, लेकिन वो भी आधे अधूरे हैं, तो इसका मतलब है टैरो कार्ड में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं 99% लोग, वो टाइम फ्रेम में करते हैं कि काम वो होगा कब। इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हम अपने टाइमिंग टैरो में टाइमिंग को पिन पॉइंट करने के लिए कार्ड का यूज करके तो करते ही हैं, लेकिन इसमें हम न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं, तो टाइमिंग में टैरो कार्ड में टाइमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें हम एक अलग से टूल यूज करते हैं, दैट इज न्यूमरोलॉजी, ठीक है। यूज नंबर ऑन टैरो इन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, तो पहली बात तो जो टैरो पे नंबर है उनका यूज करेंगे टाइम फ्रेम करने के लिए, वो वही कर पाएगा जिसने न्यूमरोलॉजी सीख रखी है, तो मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा टैरो में न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज करना है, उन नंबर्स के मतलब क्या है जो कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। दूसरा, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी इन टैरो रीडिंग, तो टैरो रीडिंग करते वक्त आप न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, वो बहुत अच्छा क्लू मिलता है इससे। न्यूमरोलॉजी और टैरो अगर आपने यूज कर लिया ना, तो समझ लीजिएगा 1 और 11 हो जाते हैं ना, जैसे उस तरह से आपके प्रेडिक्शन इतनी फास्ट चली जाती है। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ नंबर 1 to 9, न्यूमरोलॉजी सारी 1 से लेकर 9 नंबर तक के बीच में है, क्योंकि इसके बाद 10 आ जाएगा तो 1+0 वो भी 1, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं हर नंबर को, तो टोटल 1 से लेकर 9 तक ही सिंगल डिजिट नंबर है, तो इनके प्रोबेबल मीनिंग क्या है 1 नंबर से 9 नंबर तक, इनका यूज कैसे करना है, कार्ड के ऊपर ये नंबर आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। जब आप टाइम फ्रेम करेंगे कि ये काम होगा कब, तो उस वक्त में न्यूमरोलॉजी सबसे अच्छा टूल है आपका, ठीक है। जब आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, वो पर्सनल ईयर 1, 2 निकलेंगे क्या, उनके मतलब क्या है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकलते हैं, वो सारा सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, कार्ड में जो नंबर है उनको कैसे रीड करना है, फिर टाइम फ्रेम कैसे करना है, टाइम को पिन पॉइंट कैसे करना है, न्यूमरोलॉजी के हेल्प से वो आपको सिखाया जाता है।
फिर टैरो में एस्ट्रोलॉजी का कैसे यूज करना है, अब ये कहीं कोर्स नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलने वाला, किसी भी से ही पढ़ लेना, उसका कोर्स कंटेंट बनवा लेना कि वो क्या पढ़ा रहे हैं टैरो में। मैं ये नहीं करा, मैं कहता हूँ मेरे से अच्छा पढ़ाते होंगे वो, मेरे से अच्छा टैरो का कंटेंट हो सकता है। देखिए एक टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी का, ज्योतिष का, वास्तु का, क्रिस्टल का कैसे यूज करना है, ये हमारी आर्ट है, क्योंकि हम इतनी सारी साइंसेस पढ़ाते हैं, इन साइंसेस को पढ़ाकर हमने क्लब किया हुआ है, एक साइंस का दूसरे में यूज कैसे करना है, ये आप प्रैक्टिस से आता है, हमारी 10 साल की एक्सपीरियंस है। तो ज्योतिष का कैसे यूज करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का एसोसिएशन और मेजर अपना का जो कार्ड है उनका ज्योतिष से कैसे कोरिलेशन है, ठीक है, जो 10 हमारे जो कार्ड है उनका जो प्लैनेट है, ठीक है, 9 प्लैनेट है, गलती से लिखा गया है, तो उनका क्या मतलब है। तो एक होता है हॉरोस्कोप स्प्रेड, यानी कि ज्योतिष आपने देखा होगा, कुंडली देखी होगी, उसमें 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेस, उन 12 हाउसेस से आप कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, आपको ज्योतिष नहीं आता, लेकिन टैरो की हेल्प लेकर आप किसी इंसान के बारे में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसके आज की सिचुएशन में, उसके भाई बहनों के साथ, उसके प्रोफेशन में, उसकी वाइफ के साथ, उसके हेल्थ के साथ, ठीक है, क्योंकि एक आप जीवन आप जी रहे ना, तो एट प्रेजेंट आपके साथ बहुत सारे इवेंट घट रहे हैं, ठीक है, आपके भाई के साथ कुछ अलग है, पार्टनर के साथ अलग है, बिजनेस के साथ कुछ अलग चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, तो वहां कुछ अलग घट रहा है अभी आपके साथ। तो होरोस्कोप चार्ट से ये बताया सकता है कि अभी आपके सिचुएशन क्या चल रही है, किस किस सेक्टर में क्या कहां अच्छा सकता है, कहां बुरा चल रहा है, क्योंकि कुंडली के जो 12 खाने हैं ना, सब कुछ बताते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो जिस खाने में, जिस भाव में नेगेटिव कार्ड आ जाएगा, इसका मतलब है उस भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, वो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ किस भाव से क्या मिलता है, किस भाव से क्या चीज देखी जाती है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर अप्लाई होरोस्कोप स्प्रेड इन हॉररी, ज्योतिष में प्रश्न कुंडली कैसे बनाएंगे और उस प्रश्न कुंडली में टैरो का कैसे यूज कर प्रेडिक्शन करेंगे, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ हम ही सिखा सकते हैं। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री में टैरो का कैसे यूज करेंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर लास्ट आता है, सेकंड लास्ट, टैरो एंड मेडिटेशन, टैरो से कैसे मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन देखिए इतना अच्छा टूल है कि आप लाइफ की कोई भी विश को पूरी कर सकते हो मेडिटेशन स्टेट में जाकर, ठीक है, आपको आपकी कोई विश है, आपको उसको फुलफिलमेंट करना है, कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे देनी है रेमेडी, तो वो भी आपको सिखाया जाता है, उनको कैसे मेडिटेट कराना है, कार्ड को कैसे मेडिट करना है, कोई भी विश फुलफिलमेंट करनी है तो कार्ड को कैसे मेडिट करेंगे, कौन से कार्ड को मेडिटेट करना है, किस कार्ड से कौन सी विश पूरी होती है, तो पूरा पूरा आपको कोर्स में सिखाया था मेडिटेशन कैसे करनी है और कौन से कार्ड से कौन सी विश पूरी हो। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक, तो आप रेमेडी भी देंगे, एक तो रेमेडी में आपको गोमती चक्र और रुद्राक्ष सिखा रहा हूँ अलग से, जिसका दुनिया हमसे 21 रुपये चार्ज करके सीखेगी पढ़ेगी, आप उसको 21 रुपये आपको नहीं देने, आप वैसे सीख सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में जो हमारी रेमेडी होती है वो कैसे यंत्र, कौन से मंत्र का चैंटिंग करनी है, ठीक है, कौन सा क्रिस्टल आप यूज करेंगे, क्रिस्टल सबसे अच्छा मीडियम है, फिर मैं आपको तरीके बताता हूँ कैसे किसी भी क्रिस्टल को चार्ज करना है, कार्ड को कैसे चार्ज करना है, ठीक है, कोई यंत्र बनाया तो उसको चार्ज कैसे करना है आपने। क्रिस्टल सबसे अच्छा टूल है रेमेडी पर्पज से, तो कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, उस क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, ठीक है, आप खुद से कैसे रेमेडी बनाएंगे, मैं आपको सिखा देता हूँ, बताता नहीं कि भाई ये रटवाता नहीं, ये कार्ड ये क्रिस्टल इस पर्पज से यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रेमेडी बनाई जाती है, मैंने आपको एजुकेट कर दिया तो जीवन भर आप रेमेडी बनाते रहो, ठीक है, कौन से कैंडल जलाने हैं, इतने सारे कैंडल कलर आते हैं, क्या स्पेल है, क्या बोलना है, क्रिस्टल कैसे इंपावरमेंट करना है, ठीक है, तो क्रिस्टल का कैसे टैरो में यूज करेंगे रेमेडी पर्पस, तो आपको सिखाया जाता है, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, ये हमारा कोर्स कंटेंट था। और आपको फिर थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार और चीजें, और किसी ने फिर हम ओपन करेंगे और किसी ने कुछ पूछना है, ठीक है, ये फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारा कोर्स 19 अप्रैल मंडे से शुरू हो रहा है, क्लास डेली क्लास होंगी मंडे टू फ्राइडे 6 to 8 PM एंड ये एक्सचेंज 7999, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको 2100 रुपये का हमारी तरफ से आपको एक ऑफर मिलता है, आप हमारी जो गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष की रेमेडियल वर्कशॉप होगी वो आप अटेंड कर सकते हो। अब मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने जिसने भी क्वेश्चन पूछना होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि एक तो हैंड रेज करेंगे, मैं नाम लूंगा उनका, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सबसे पहले जिसने कोर्स के बारे में कुछ पूछना है आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पर आप मेरे को पर्सनली भेज सकते हो कि क्या फीस पेमेंट रहेगी, ठीक है, आप फीस हमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या यूपीआई ट्रांसफर, अकाउंट ट्रांसफर जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। और अभी जिसने भी कोर्स के बारे में पूछना है प्लीज वो पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद मैं जनरल क्वेश्चन आपके बाद में ले लूंगा। तो आपने, मैं अभी सबको आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हो, लेकिन होना नहीं है जब तक आप
मैं ना बोलूं, आपका नाम ले लूं, तो जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज हैंड रेज करें वहां पर सिस्टम के अंदर, मैं आपका नाम लूंगा, तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और फिर आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते। यस एनीवन, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है किसी ने कोर्स से रिलेटेड, यस निकी जी प्लीज, क्योंकि ऐसे सारे बोलेंगे ना तो समझ नहीं आएगा, तो मैं नाम ले रहा हूँ, आप 2 मिनट इंट्रोडक्शन कीजिए, आपके क्वेश्चन सारे दीजिए। यस निकी जी प्लीज। और अगर कोई मेरे बीच में टैरो रीडर है जिसने टैरो रीडिंग की हुई है तो प्लीज वो भी अपना एक व्यू दे कि जितना कोर्स कंटेंट हम करा रहे हैं तो वाकई में कुछ यूनिक है या हमें लगता है यूनिक करा रहे हैं। आप 7 to 8 तो नहीं हो पाएगा, देखिए ऑलरेडी ये बैच तो तैयार है हमारा, ये हो सकता है चलो 6 ना सही 6:30 हो जाएगा, तो हम आधा घंटा डिले कर सकते हैं क्योंकि फिर मेरी ना 9 बजे से फिर क्लासेस होती है, तो आपको तो लग रहा है क्योंकि मेरी 6 to 8 करेंगे तो चलो 6:30 to 8:30 हो जाएगा, मेरे को 9 बजे फिर पढ़ाना शुरू करना है, तो ज्यादा 8 बजे नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब 7 बजे भी नहीं, 6:30 तक हम कर सकते हैं, चलो आधा घंटा वो किया आधा घंटा आपने किया तो वो हो सकता है। निकी जी यस प्लीज, निकी जी बोलिए प्लीज, निकी जी आप अपने, आपकी आवाज नहीं आ रही निकी, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। ओनली मंडे एंड थर्सडे नहीं है, ओनली मंडे ट्यूजडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन क्लास होगी, उसके बाद सैटरडे संडे ब्रेक रहेगा, फिर मंडे से फिर फ्राइडे क्लास होगी, तो इस तरह हम 12 से 15 क्लासेस करते हैं। सैटरडे संडे मैंने बताया ना मैं क्लास अपनी ये क्लास नहीं लेता, सैटरडे संडे मेरा फुल टाइम बिजी रहता है जिसमें मेरे लॉन्ग टर्म के कोर्स चलते हैं, जो वीकली मेरी क्लासेस होती है वो सैटरडे संडे क्लास होती है। कितने दिन का कोर्स है, क्या चेंज है? नहीं आप निकी क्या करें, ये मेरा क्वेश्चन है कि कितने दिन का कोर्स, 12 से 15 दिन का कोर्स है बेटा ये, 12 से 15 क्लासेस होंगी, अब क्लासेस 12 से 15 क्लासेस होंगी तो इसका मतलब 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में खत्म होगा, 2 हफ्ते से भी ज्यादा, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी ना, तो मान लें 19 से हमने शुरू किया तो 19 से पहला फ्राइडे तक क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, फिर आगे मंडे टू फ्राइडे फिर क्लास होगी, तो 5 और 5 10 क्लास होगी, और तीसरे हफ्ते में जाकर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो 3 हफ्ते लगभग लगेंगे 12 से 15 क्लासेस होने में इस। अच्छा ये हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम आपको पूरे कोर्स की एक तो पीपीटी, जो आपको पीपीटी दिखाई है कोर्स मटेरियल सारा वो एज इट इज दिया जाता है, जिससे मैं पढ़ाता हूँ वही कोर्स मटेरियल आपको देता हूँ, ऊपर से ई सर्टिफिकेट आपको मिलता है हमारी तरह इंस्टीट्यूट करता है, हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तीसरी चीज है आपको पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, जैसे सेशन हो रहा है ना, जैसे लाइव सेशन हमारा हो रहा है, साथ साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं, और सेम डे या उससे अगले दिन आपको हर दिन की रिकॉर्डिंग हम साथ साथ भेजते रहते हैं। मान लिया आपको कोई मिस हो गया है, लेट ज्वाइन किया है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार सुन सकते हो। कोर्स के चार्जेस हैं बेटा 7999 कोर्स का चार्ज है 7999, ठीक है। अगर किसी को फिर भी कोर्स कंटेंट चाहिए आपको और बैनर क्या है, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि आपको क्या चीज चाहिए, कोर्स कंटेंट चाहिए, मैं कोर्स कंटेंट भेज दूंगा, बैनर भेज दूंगा, फीस कैसे जमा करनी है वो भेज दूंगा, क्या रहेगा जो आप क्वेश्चन देंगे वो भेज देंगे। अभी रुकिए प्रीति जी जो पूछना है, 1 मिनट रुकिए, पहले कोर्स के लिए जिसने पूछना है, सुनील कुमार कुछ पूछने चाह रहे कोर्स से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड अगर किसी ने पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी एनीवन। और हमारे अभी आने वाले वक्त में सैटरडे से मेरा ज्योतिष का बैच शुरू हो रहा है। हाँ प्रीति जी बोलिए, आप पूछिए ना, मैंने तो बोल रहा हूँ जिसने पूछना पूछिए, जिसने कोर्स रिलेटेड को पूछना है तो पूछ सकता है। okay, मुझे लगा जो हैंड नहीं आप पूछ नो 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 मुझे लगा जो हैंड ऊपर कर रहे हैं आप उनको नहीं, आपने हैंड किया okay. नहीं ना, हाथ सब... ऊपर करना होता, सिस्टम के अंदर ऊपर करना होता मैडम, यहाँ पर एक हैंड रेज का बटन होता है, किया है सर नहीं यहाँ पर नहीं आया किया ना? है किया है मैंने यहाँ पर नहीं आया ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर नहीं आया। हाँ हाँ पहले ऊपर चला गया हूँ, अच्छा, मैंने हाथ ऊपर किया था। अभी दादी कर लेंगे 6:30 कर लेंगे, कोई बात नहीं 6:30 हो जाएगा। हाँ हाँ यस एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे काफी अच्छा लगा आपने जिस तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, टू बी फ्रैंक मैंने काफी लोगों का ऑनलाइन फ्री क्लासेस लिए थे बट काफी कन्विंस हुआ आपके क्लास का, एंड आप जो दोनों एस्ट्रोलॉजी और टैरो मिला के जो आप रेमेडीज बता रहे हो विच इज आई थिंक वेरी हेल्पफुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एंड मुझे एक चीज ये पूछना है, लाइक अगर हमने कोर्स सीख लिया ठीक है, लाइक फॉर समबडी एल्स और खुद की पर्सनल रीडिंग भी हम कर सकते हैं ठीक है,
मुझे ये पूछना है आपसे कि एक जो नेगेटिविटी आती है बीइंग अ साइकिक रीडर, हाँ बिल्कुल या आती है, हम जब ये बिल्कुल सारी आती कार्ड्स है, ठीक के ठीक रीडिंग बात करके दूसरों को हील करते हैं या जो भी ठीक बात करते हैं, बिल्कुल ठीक तो बात आपके हिसाब से आपके पास ऐसा क्या रेमेडी होगी जो जैसे इम्यून के ऊपर काम करते हैं? तो आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, मैं अगर छोटी चीज भी किसी को कुछ बोलती हूँ या कुछ रहती हूँ तो ठीक उसका बात मैं समझ दुगना गया इफेक्ट आपका मुझे क्वेश्चन, मुझे लगता है मेरे ऊपर होता है। तो मैं समझ गया आपका, मैं आप, बिल्कुल समझ हाँ, आपके गया, पास जैसा वैसा एक स्ट्रॉन्ग रेमेडीज सब होंगे कुछ है मैडम, क्या बता रहा हूँ ना, आपने कि? क्वेश्चन पूछा नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि 10 साल पढ़ाते होंगे ना, इतने सारे वेबिनार कर चुका हूँ, कई सौ हजारों सबको पढ़ा चुका हूँ मिला के, तो मुझे पता है क्वेश्चन क्या क्या सकते हैं। देखिए मैं बड़े ज्यादा बोल तो नहीं बोलता, लेकिन इतनी सारी से पढ़ा पढ़ा के ना इतना समझ में आ गया है कि पहले तो सबसे पहले खुद की रेमेडी की जाती है। तो आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन सा यंत्र, कौन सा सिंबल, कौन सा क्रिस्टल आपको काम करेगा, वो आपको मैं देता हूँ पहले रेमेडी पर्पज, ठीक है। और कैसे आपको अपनी साइकी डेवलप करनी है, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारा आपको मैंने बताया, कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। आप, मैं कह रहा हूँ, जीरो होके आइए और परफेक्ट होके ना जाए मेरे यहाँ से, तो फिर मुझे बता दीजिएगा। 10 साल में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ से खाली हाथ गया हो या निराश होकर गया, कोई नहीं होप सर, हुआ। क्योंकि पहले भी मैंने जो नहीं कोर्सेस किए थे तो तभी भी ऐसी बातें बोले जाते थे, जैसे रेखी हो गया या बाकी चीजें नहीं मैंने सीखी, नहीं तो आप, नेगेटिविटी मुझ पे काफी हुई। मैं समझ गया आपको, तो पहले आपको कैसे काम करना है, मैं तो आपको ये तक बता रहा हूँ किस दिन आपने रीडिंग नहीं करनी, मैं तो पहले बता रहा हूँ आपको कि किस दिन रीडिंग आपकी सही नहीं या जाएगी, दैट आई तो हर्ड, कोई मुझे बताएगा, काफी, ये कोई नहीं बताएगा काफी आपको, अच्छा कोई लगा। नहीं बताएगा, हाँ हाँ क्योंकि बताया आपको आपने, नॉलेज नहीं, मुझे पता है ना, कोई आपको ये नहीं बताएगा जो टायरों या में न्यूमरोलॉजी का इतना कैसे यूज डिटेल में करना है, कोई नहीं बताता है। टायरों में न्यूमरोलॉजी का कोई यूज करना है, कोई टायरों वाला है तो बताइए, कभी किया है किसी ने न्यूमरोलॉजी का यूज, वास्तु का यूज किया किसी ने टायरों में, नहीं नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी डायरेक्शन नहीं आपके नहीं लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं वास्तु पढ़ाता हूँ, इवन एस्ट्रोलॉजी भी किसी ने यूज नहीं किया है, वो सिर्फ टैरो है तो टैरो का ही बात करते। वही ना, मैं सारी साइंस पढ़ाता हूँ, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ सारी सारी, इसलिए मैं अभी 2016 के बाद से फिर मैंने सारी चीजें मिक्स करनी शुरू कर दी है, 2016 से, तो 2016 से मैं सारी साइंसेस टैरो में यूज कर रहा हूँ बस, और लोगों के मेरा आप तो मेन वही है सर कि खुद का प्रोटेक्शन मेन करेंगे होना ना, करेंगे जरूरी मैडम है। करेंगे तो पता लगेगा, मैं क्या बोलूँ, इतने सारे वेबिनार वही मेरे पड़े वही, हैं यूट्यूब पर, आप देख लो स्टूडेंट के नहीं फीडबैक नहीं मैं देखो, तो कन्विंस हूँ, मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगी। ठीक है आप आइए, और हम तो ये कहते हैं आपका काम हमारे तक आने तक आने का होता है, अगर आप नहीं सीख पाते तो आपका फेलियर नहीं, फेलियर मेरा होता है, और मैं 10 साल में कभी फेल हुआ नहीं, थैंक यू। मुझे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं आपको नहीं जानता, मैं अपने या आपको जानता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, ठीक है मैडम, तो आपने कैसे ज्वाइन करना है, तो आप या मुझे हाँ बताइए सर, आपको। ये पूछ रहा हूँ हाँ मैं, ये हाँ क्या ओके हिंदी सर, या हिंदी में थैंक भी यू सर, ये हिंदी में भी कराते हैं कोर्स? सर। ये जो मैं बोलूंगा वो हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा, जो लिखा, जो लिटरेचर आपको मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल रहा है, कुछ चीजें अच्छा, इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश सिखाऊंगी, दोनों मैं में। सिखा आपको हिंदी में रहा हूँ, अच्छा ऐसे ही सिखाऊंगा जैसे आप सिखा रहा हूँ, अच्छा और बस यही लिटरेचर भी जानना चाहता आपको, था मैं। लिटरेचर ठीक भी है, आपको कल मैं मिल फोन रहा पर है, बात करता हूँ आपसे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है, आप इसलिए मिलती ठीक है मैथ है, सर, किसी को समझ ठीक आते है, हैं। ओके सर, ओके सर, ओके, धन्यवाद। ओके जी, और कोई एनीवन कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप मेरे, आप भी, हाँ मैं बता रहा था आगे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं मेरे ज्योतिष, अगर किसी ने सीखना है तो एवरी सैटरडे क्लास होगी, 1500 रुपये महीना, इस शनिवार से क्लास शुरू हो रही है, सैटरडे 6 to 8 हर शनिवार के शनिवार क्लास होगी, 3 महीने का बेसिक है, आप 1500 रुपये महीना देकर पढ़ सकते हो। और उससे अगले हफ्ते हमारे 2 कोर्स और लॉन्च हो रहे हैं, वास्तु लॉन्च हो रहा है और एक न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और आगे उससे अगले महीने फार्मिस्ट्री एंड अपना लाल किताब वो लॉन्च हो गए, तो ये तो मेरे 4 कोर्स तो रेगुलर हर महीने बनते हैं, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष एंड वास्तु, ये तो रेगुलर हर महीने नए नए बैचेस बनते हैं। यस एनीवन, कोई भी बोलिए, बोल सकता है कोई भी, कोई क्वेरी नहीं है किसी की, हाँ दोगे अच्छा सर, सर, एक एक चीज चीज और और बता बता दीजिए दीजिए, फिर, क्या पूछा है नहीं है पूछने एक और जाने, बता दीजिए। हाँ सुनिए, हाँ सर, एक चीज और बता दीजिए सर, हाँ मेरे बिजनेस में हमेशा लेबर की दिक्कत रहती है, लेबर की प्रॉब्लम रहती है, जैसे मुझे 50 आदमी की जरूरत है तो वो 15 20 30 30 ही रह जाते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। सर, या तो आपका 6th हाउस खराब है, आपका कुंडली का शनि खराब है, ये तो मैंने वैसे बता दिया, ठीक है, अच्छा सर, हाँ जी चलिए ठीक है सर, ओके। कुंडली दिखा लेना किसी को, सिर्फ उतना पूछ लेना कि मेरा शनि ठीक है नहीं ठीक है, अगर आपके वर्कर आपके नहीं टिकते या सफिशियंट वर्कर आपके पास नहीं है, इसका मतलब शनि खराब है आपका, आप कुछ मत कीजिए, काम कर लो, ठीक है, आपके ना हाँ जी, काम सच हाँ है जी, बता देना, आप फोन करके बता देना मेरा काम नहीं हुआ,
आप हर शनिवार को शाम को सूरज ढलने के बाद, ठीक है, गरीबों को हाँ जी खाना खिलाना शुरू कर दो, जो बिल्कुल लाचार लोगों, फटे हाल लोगों, आपका वर्कर टिकने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है ठीक है हाँ, सर, ओके। और एक सर चीज है। यस प्लीज। देखिए, ये सारी चीजों के लिए डिवाइन पावर का ब्लेसिंग होना मुझे जहां तक लगता है बहुत बिल्कुल ही ठीक, जरूरी बिल्कुल है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक इट्स नॉट के कोई भी इन सब चीजों में उठ के आ सकते हैं कि ठीक टैरो बात कर है, ठीक लिया, एस्ट्रो कर लिया। तो ठीक बात है। मुझे आपसे ये चीज पूछनी है, अगर वाइल डूइंग दिस कोर्स मैंने आपसे कोई चीजें सीखी ठीक है और हाँ अपनी कोई चीजें है, लाइक एग्जाम्पल, मैं जैसे ऑटो रीडिंग करती हूँ, ऑटो राइटिंग करती हूँ, सॉरी ठीक है इंग्लिश में, ठीक है ठीक तो अगर वो चीज भी मुझे इस चीजों में हेल्प करती है, जहाँ प्रीवियस का मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे काफी उससे गाइडेंस मिला है, तो हाँ जैसे मैं कोई भी भगवान से रिलेट होके मेडिटेशन हाँ करके वो पावर्स लेके कैन आई डू दिस थिंग्स मोर बेटर। बिल्कुल जी बिल्कुल। कभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितनी आपके पास साइंसेज होंगी, अब हम क्यों इतना अच्छा सिखा पाते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि हमें, हमारे पास बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमने ज्योतिष भी पढ़ रखा है, पढ़ा रखा है, हम हिस्ट्री हम जानते हैं, लाल किताब हम जानते हैं, वास्तु हम पढ़ाते हैं पिछले 10 सालों से, तो इन साइंस का यूज करते हैं। तो जितनी आपके पास टूल है, जितना आप यूज करेंगे, उतनी प्रेडिक्शन फाइन होती चली जाएगी आपकी। ये तो बहुत बट अच्छा इट्स तरीका पढ़ा टोटली आपने। ऑन द यस ब्लेसिंग्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिएगा, अगर आप ये साइंसेस पढ़ रहे हो ना, तो आप, मैं ज्योतिष में आपको बता दूंगा कि आपने ये साइंस क्यों पढ़ी है। आपकी जो दशा होगी, कहीं ना कहीं आपने देखा सूर्य चंद्रमा आपके 8th हाउस में होंगे, या 8th हाउस से रिलेशन बन रहा होगा, जो दशा चल रही है आपकी, उसका 8th हाउस या शनि से कोई जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा। पिछले बैच हमारा गया था, उसमें मैंने सबको कोरिलेट करके बताया, तो मैक्सिमम यानी कि 70-80% लोगों का बिल्कुल कम्बिनेशन वही बन रहे थे। ठीक है, तो आप साइंस ऐसे नहीं पढ़ते, ये आपकी टाइम चल रहा है, कुछ दशाएं इस तरह की चल रही है कि आप इन साइंस को पढ़ पा रहे हो। ये पैसे से नहीं पढ़ी जाती है साइंस, ये बता दूं आपको, ये तो डिवाइन की मर्जी होती है, तब आप साइंस पढ़ते हो। ये ओकल साइंस है, ये कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है कि पैसा दिया, इंजीनियरिंग करी और आपने एडमिशन ले लिया। ये तो डिवाइन की परमिशन नहीं होती है, आप ये साइंस नहीं सीख या सकते। एनर्जीज पे काम होती है। बिल्कुल एनर्जी पे काम, बिल्कुल। या कैन आई आस्क वन यस क्वेश्चन? यस प्लीज 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 शेयर। थैंक यू। टोल्ड यू दैट आई प्रैक्टिस टैरो ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट देन द थिंग्स यू आर ऑफरिंग आर लाइक सो ग्रेट, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी एस्ट्रोलॉजी को कभी ना कोई कनेक्ट करती हूँ, दो आई एम नॉट वेरी गुड इन दिस, बट वो आपने बहुत अच्छा, आई मीन सबको मैं बोलूंगी, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स विल एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि पामिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, न्यूमरोलॉजी भी इन्वॉल्व है, पार्ट नंबर्स, क्योंकि सर टाइम फ्रेम में बहुत प्रॉब्लम होती है, है ना, मतलब देखिए मैं समटाइम्स आई अभी ऑल्सो देखिए, ये चेरी जी, क्या नाम है आपका, मैक्स चेरी चेरी चेरी, ओके चेरी। चेरी जी, मेरे को नहीं जानती, शायद पहली बार कनेक्ट हुई है, लेकिन ये हाँ जी बोल सर। रही है, तो क्यों बोल रही है, क्योंकि इनको पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस फील्ड को जानती है, इनको पता है कि कहाँ, मैंने बताया ना हर टेरोडर क्या फेस करता है, टाइम फ्रेम, और इनको पता है कि जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए तो हो सकता है नॉर्मल सी बात हो कि यार हो सकता है सभी इतना पढ़ाते होंगे, लेकिन जो पढ़ चुका है उसको पता है कि मैं क्या देने वाला हूँ, कोई नहीं देता इतना कुछ। ट्रू सर, सच में आई थिंक उस कोर्स के बाद एक ये ना कंफ्यूजन रहेगी नहीं, हाँ नहीं कि रहेगी, खुद में भी एक ना डाउट आ जाता है कभी कभी क्लाइंट्स को आंसर करते समय कि यार इतना कुछ गलत ना आ जाए, बट जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन वो ये है कि व्हाई एम आई नॉट फोकस्ड, आई हाँ मीन देर आर सम डेज व्हेन आई एम लाइक कि आज तो भाई 5 रीडिंग होगी तो मेरी बहुत अच्छी जाती है सर, बहुत अच्छी, बट देन देर आर सम डेज जब मैं रीडिंग करती हूँ और मुझे अंदर से पता है कि ये सही आंसर नहीं है, तो तो मैं मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूंगा किस दिन आपकी रीडिंग चेंज नहीं जाएगी, वही तो मैं कह रहा था, वो क्या कह रहा हूँ मैं, किस दिन, ओके किस ओके, सो घंटे, इसका वही रिलेशन है। किस घंटे, वही है बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका, देखिए जब आपका चंद्रमा आपके हिसाब से ठीक नहीं चल रहा और वहीं से रीडिंग आनी है, जी तो आपका उस दिन ना मन डिस्टर्ब रहता है, जब मन माइंड डिस्टर्ब है तो रीडिंग आ ही नहीं सकती। रीडिंग कब आएगी, वो प्रिलिमिनरी जो मैं बताता हूँ आपको, कि माइंड शांत होना चाहिए, कूल होना चाहिए, एंजाइटी कोई नहीं होनी चाहिए, है ना, तो तभी तो रीडिंग आएगी, तभी तो आप रीडिंग कर पाएंगे। आप खुद एंग्जायटी में बैठे हो, डिवाइन जो आपको क्लू दे रही है, आप उसका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ, आपका तो रीडिंग आएगी नहीं। पहले बता दूं, ये रीडिंग कौन करता है, रीडिंग डिवाइन करती है, वी आर ओनली द ट्रांसलेटर, वी आर ओनली द ट्रांसलेटर, हम ट्रांसलेटर हैं, कि डिवाइन ने हमें टैरो के मीडियम से समझाया है। आप टैरो नहीं जानते, हम थोड़ा जानते हैं, तो हम टैरो की जो वर्डिंग है उसको आपकी नॉलेज में, आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। ये रीडिंग जो आ रही है डिवाइन से आती है, हमारे से नहीं आती, टैरो में लिखा तो है ना कार्ड में, कुछ कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन डिवाइन हमें हेल्प करती है टैरो से कैसे प्रिडिक्ट करें। डिवाइन कुछ क्लू देती है हमें, हम उस थॉट को पकड़ते हैं, उस थॉट को इस कार्ड में लगाते हैं, फिर कार्ड को जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में आपको बता कर रहे हैं, खत्म कर देते हैं।
तो वी आर ओनली सर ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे 10 के 10 लोग अगर सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो 10 के 1 कार्ड के ऊपर प्रेडिक्शन हर किसी का अलग अलग होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि स्पेशल किसी पर्सन पे एक अलग ही ब्लेसिंग्स होती है, तो उस वजह से वो ज्यादा कर पाते हैं? क्योंकि किसी का भी चंद्रमा, लेकिन सब तो सब कर रहे हैं, मेडिटेशन सब कर रहे हैं, सब ठीक है, बट व्हाई इट हैपेंस? बता रहा हूँ मैडम, आप एक क्वेश्चन एक बार बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। क्वेश्चन देने के लिए मशहूर आप समझ जाएंगे, आप तो यूज टू हो। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ क्वेश्चन समझने में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं देता हूँ ना बिंदास, चाहे 1000 लोग सामने खड़े हैं, लाख लोग सामने खड़े हैं, क्या होगा? मुझे नहीं आता, मैं बोल दूं आई एम सॉरी, मुझे नहीं आता, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, तो असर करता हूँ। देखिये मैडम, इसका आंसर ये है कि जो 2 इंसान रीडिंग कर रहे हैं, 10 इंसान रीडिंग कर रहे हैं ना, किसी का भी चंद्रमा सेम नक्षत्र में नहीं है। नक्षत्र में सेम होगा तो सेम चरण में नहीं है, और ये रीडिंग आती है चंद्रमा से, मून से। जब सबका मून अलग अलग राशि में है, अलग अलग नक्षत्र में बैठा हुआ, अलग अलग चरण में बैठा हुआ है, तो रीडिंग तो सेम आ ही नहीं सकती। फिर हर वक्त चंद्रमा ट्रैवल कर रहा है, मैं कह रहा हूँ। दूसरा तो सोच छोड़ दो बात को, अगर एक क्वेश्चन आपसे ही 2 बार पूछा जाए तो आपकी रीडिंग अलग अलग होगी। Moon is your intuition and emotion. क्योंकि तब तक चंद्रमा कुछ मूव कर चुका, कुछ डिग्री चल चुका। दूसरा आपका ये क्या होती है, प्रश्न कुंडली है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये प्रश्न कुंडली है, अगर किसी ने ज्योतिष समझा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, प्रश्न कुंडली है। जैसे एक प्रश्न अभी पूछा, मैं 10 मिनट बाद बनाऊंगा तो कुंडली बदल जाएगी, डिग्रियां बदल जाएंगी, नक्षत्र बदल सकता है, कुछ बदल सकता है, ठीक है, वर्गाचार बदल जाएंगे, दशा में प्रत्यंतर शुक्ल दशा बदल जाएगी, तो इसका मतलब हर चीज चेंजेबल है। जब आप रीडिंग करते हो ना मैडम, आप ये समझिएगा, ये उस वक्त की दी बेस्ट प्रेडिक्शन है, जब आप दे रहे हो दी बेस्ट आंसर है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। हो सकता है वो आंसर उसको आज समझ ना आए, क्योंकि डिवाइन जो दे रही है ना उसको, उस वक्त का बेस्ट सॉल्यूशन है, उस वक्त का। वक्त चेंज हो गया, जैसे आपका चेंज हो जाता है, अभी आपका मीठा खाने का मन है, कल मैं बोलूंगा मैडम मिठाई खानी है, मैडम कल बोलेंगे आज तो मेरा नमकीन खाने का मन है। तो जब आप ही चेंज हो रहे हो, आपका थॉट चेंज हो रहे हैं, फिर ये रीडिंग आती कैसे है? ये रीडिंग आती कैसे है? जिस टैरो को ये नहीं पता रीडर को, तो वो रीडिंग कर ही नहीं सकता। ये रीडिंग आती कहां से है? पहली बात तो हम क्या कौन से थॉट पकड़ते हैं, ठीक है, वही कार्ड क्यों निकल कर आते हैं? तो सबसे पहले इसके पीछे बैकग्राउंड पे जाना पड़ता है। तो मेरा मकसद आपको एजुकेट करने का होता है, दूसरों की तरह ना सिर्फ भाई ये कार्ड रट लो, इस कार्ड से ये मीनिंग है, इस कार्ड का ये मीनिंग है, मैं आपको कुछ चीज रटवाता नहीं। मैं कोई नहीं कहता कि ये कार्ड पॉजिटिव है, कार्ड नेगेटिव है, क्योंकि जब मैं आपको एक एक प्रेम में बांध दूंगा तो आप जीवन में उतना ही सीख पाएंगे जितना मैंने आपको सिखाया। मैं आपको स्काई इज द लिमिट, मैं आपको खुला छोड़ता हूँ कि आप आसमान में जितना मर्जी उड़ो, मैंने आपको एजुकेट कर दिया, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। इतना तो सुनने वाले भी समझ जाते हैं, आजकल इतना सारा वेबसाइट में सब कुछ है, तो सुनने वाले भी समझ जाएंगे कि हम कितना सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, किसी का किसी ने पूछना है तो हमारा कोर्स 19 से शुरू हो रहा है, और अगर कोई करना चाहता है वेलकम है आपका, और आगे करोगे तो आज करोगे, कल करोगे, कभी ना कभी तो करोगे, किसी से करोगे, हमारे करने से ये फायदा होता है आपको बहुत सारी साइंस की नॉलेज और मिल जाती है, और ये हमारी गारंटी है। सर ये कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं? कार्ड में ना बहुत तरह के होते हैं, हम राइडर वेट पढ़ा रहे हैं आपको, बस वो कई तरह के ओशोजन होते हैं, साई कार्ड है, राम, पता नहीं क्या कितने इतने कार्ड आ गए, तो एंजल कार्ड अलग होते हैं। तो सर इसमें क्या डिफरेंसेस है, कुछ अलग? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है मैडम, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, एक चीज सीख लो आप फिर दूसरी चीज अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो हम कौन सा भी कार्ड खरीद सकते हैं? राइडर वेट लेना आपने, राइडर वेट में भी कई सारी वेरायटी आती है, छोटे बड़े, किसी का प्रिंट अच्छा है, किसी का कोई महंगा है, कोई सस्ता है, ठीक है, तो आपकी मर्जी होती है, बता देता हूँ आपको कहाँ से मिल जाएगा आपको बेस्ट कार्ड, कौन सी वेबसाइट से? हाँ नहीं, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, इसलिए पहले पूछ। ओके, बाहर से मंगा लेना, मैं यूरोप से बात करें, अभी यूरोप में हूँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये भी हमारा रहता है कि अगर आपने मेरे से कोई भी एक साइंस पढ़ ली, कोई भी ज्योतिष पढ़ लो, वास्तु पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, टैरो कोई भी एक पढ़ लो, जब कभी दूसरा कोर्स पढ़ोगे मेरे से पढ़ोगे, ये तो मैं लिख कर दे देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इतना अपना बना लेता हूँ पढ़ा पढ़ा के, आपकी अब मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है कि जब आपको कोई, मैंने आपने टैरो पढ़ा, कभी न्यूमरोलॉजी पढ़ने का मन आएगा ना तो सबसे पहले नाम मेरे दिमाग में आएगा आपको, तो अभी गुरु बन ही जाएंगे ना सर, गुरु के आशीर्वाद के बगैर कैसे होगा? ये इसलिए पता लगता है कि मेरे से ना मोस्टली मेरे पास रेगुलर बच्चे हैं जो एक कोर्स कर लेता है, फिर टैरो न्यूमरोलॉजी पढ़ने आता है, फिर ज्योतिष पढ़ने आता है, फिर वास्तु पढ़ने आता है, फिर
मैंने कहा भाई कोई और गुरु भी पकड़ लो, क्या सर आपको पकड़ लिया सब कुछ अच्छा मिल तो रहा है, फिर क्यों दूसरा रास्ता देखें, वहां कौन रिस्क लेगा, यहाँ तो चाहिए पता है ना, समझ में आ जाता है यहाँ का नेचर, बिहेवियर, व्यवहार, कंटेंट सब पता है आपका, तो लोग जुड़े हुए हैं कई कई सालों से हमारे साथ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मैं स्टूडेंट हूँ, तो जहां से मैं कोचिंग ले रही हूँ मेरे सर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, मतलब इसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया उनको, कोई बात तो नहीं। वो पहला क्वेश्चन मतलब पहले लेते हैं, रिचा नाम बता क्या है? जी रिचा, रिचा रिचा ठीक है, क्वेश्चन बताओ क्या है आपका। तो सर ये रिलेशन मतलब कैसे सही होंगे उनके साथ, वो मुझ पे मतलब फोकस ही नहीं कर रहे हैं क्लास में। अच्छा क्या पढ़ रहे हो बेटा? सर मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके किसकी? जुडिशरी, जुडिशरी की। पीसीएस। ओके 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 ठीक है। रिचा क्या बेटा, कोई डिप्रेशन में क्यों आ गई तू, ये बता पहली बात तो, इसमें डिप्रेशन में आने वाली क्या बात है? सर क्योंकि सब बहुत अच्छा चल रहा था मेरा उनके साथ। ये तो डिप्रेशन वाली क्या बात है, इसमें ये तो ना होता है कुछ चीज हो गई, अभी तेरे पास बहुत कुछ है, तो ऐसा लग रहा पता नहीं तेरा क्या गुम हो गया, क्या लूट गया तेरा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तो डिप्रेशन निकाल। यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके पास स्ट्रेंथ है पूरी, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान, तेरे को पता ही नहीं तेरे पास क्या पावर है, जैसे वो हनुमान जी को बताया गया था ना कि उनके पास इतनी पावर है कि उड़ सकते हैं, पहाड़ को लेकर आ सकते हैं, तो तेरे अपने किसी वेलविशर से मिल, वो तेरे को तेरी पावर बताएगा क्या है, तेरे में बहुत स्ट्रेंथ है, तू बिना डिप्रेशन में जा रही, डिप्रेशन मत जा, यू हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये बता दूं एक बहुत बड़ा चेंज तेरी लाइफ में आने वाला है, कार का नाम देख के डर मत जाना, ठीक है, क्योंकि तेरे को इस कार का मतलब नहीं पता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, अपने आप ही चेंज आ रहा है, जो जो तेरे साथ चीज लगी पड़ी है ना सब अपने आप ठीक हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दे बस, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा दे, और बहुत जल्दी जी तेरे आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जो कि बेटरमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा मेरा भी क्वेश्चन है, मेरे लिए एक कार्ड निकाल दीजिए ना प्लीज। एक मिनट जसविंदर, मेरा एक क्वेश्चन है, आप जिसने भी रीडिंग करानी है मैं 3-4 क्वेश्चन लूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हो रैंडमली, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर, जिसका मेरे को लगेगा लेना चाहिए। सर मेरा मेरा एक हैंड रेज कर जसविंदर की, मेरा हैंड पता नहीं जाते ही नहीं। अच्छा जाते नहीं। सर मेरे हस्बैंड की ग्रोथ इतनी स्लो क्यों रहती है? जसविंदर कौन पूछ रहे हैं? जसविंदर सर मैं यस सर एंड जसविंदर बोलिए, मेरे हस्बैंड की ग्रोथ इतनी स्लो क्यों रहती है? मेरे हस्बैंड की ग्रोथ इतनी स्लो क्यों रहती है? ऊपर ना बैठो, आ रहा हूं 1 मिनट में। भाई प्लीज आप सभी म्यूट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप हैंड रेज कर लिया म्यूट कर लो, क्योंकि डिस्टर्ब होगी ना तो रीडिंग नहीं हो पाएगी। मैडम इसलिए होती है कि पहले बार 2-3 चीजें हैं उनके साथ, पहले तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, वो इमोशंस बहुत ज्यादा है उनके अंदर, उनके इमोशंस डिस्टर्ब है पहली बात, दूसरा पहली बात, दूसरी बात है कि इन इस इमोशन डिस्टर्ब होने के कारण हर चीज का सोल्यूशन लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मतलब या तो वो बिल्कुल कूल है या बिल्कुल तलवार उठा लेते हैं, ठीक है, जब तक ये सब चीज चलती रहेंगी ग्रोथ नहीं होगी, दूसरा हमेशा वो ड्यूअलिटी में रहते हैं, ठीक है, उनको बोला डिसीजन मेकिंग नहीं है उनकी, डिसीजन लेना सीखें पहली बात, मतलब एक इंसान को बैलेंस रखना होता है, इमोशन भी चाहिए और गुस्सा भी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप आज तो बिल्कुल फुल ऑफ इमोशन है, लुट जाएगा सब कुछ लुटा दोगे, अगले दिन नहीं माना तो तलवार उठा लोगे उसी चीज के लिए, ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा, इंसान को बैलेंस लाइफ होनी होती है, तो इनको बोलो पहले ये सब चीज बैलेंस करें अपनी लाइफ, दूसरा ड्यूअलिटी में रहते हैं वो हमेशा, जब तक ड्यूअलिटी में रहेंगे कहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इनको बोलो ड्यूअलिटी छोड़ दो। सर सर मेरा एक सर मुझे पूछना है, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं लिया जाएगा एंड रेस किया मैंने, हां रुक जाइए सर, मैं अपने आप लूंगा ना, ऐसे नहीं लूंगा ना मैं, मेरे को 3-4 क्वेश्चन लेने हैं, यहां 20 हाथ उठे हुए हैं मान लीजिए, तो मैं अपने रैंडमली बोलूंगा, मैं किसी को जानता तो ना, कोई नाम मेरा कोई रिश्तेदार है, तो जिसको डिवाइन कहेगी मैं उसका आंसर क्वेश्चन ले लूंगा जो मेरे दिमाग में नाम आएगा रैंडमली, बोलेगा नहीं, बोलेगा तो फिर क्वेश्चन मैं ले ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। जसविंदर जी इनको सिर्फ एक कर लेना, इनको बोलो एक तो चांदी का यूज कर लें अपने खाने पीने में, जो okay. ना तो चांदी कटोरी एक प्लेट चम्मच ग्लास पानी चांदी में चांदी ग्लास में पानी पिए, जितना पिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, और उनको मतलब मदर साथ रहती है क्या आपके, इनकी मदर सर,
यस सर यस। इनको बोलना पूर्णिमा के दिन आपने खीर बनानी है और पहले भगवान को भोग लगाना है ठीक, और फिर इनके मदर को देनी है खीर और मदर को बोलना कि थोड़ी सी खीर बचा दे जो आप देंगे, और बेटे को बोलना वो खीर खाएंगे माँ की झूठी, इनका सब ठीक होना शुरू हो जाएगा, इमोशन बैलेंस हो जाएंगे ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पर कोई खालू काम करने का नहीं, करूंगा तो ढंग से रीडिंग करता हूँ वरना नहीं करता। ओके थैंक यू सर। नेहा, नेहा खत्री। हेलो सर। प्लीज मुझे मेरी मैरिज के लिए क्वेश्चन करना है। मैं 32 इयर्स की हो गई हूँ लेकिन अभी तक मैरिज का कुछ पता नहीं लग रहा है। नेहा ठीक है, जस्टिस क्या कोई डर है क्या बेटा शादी के लिए, कोई मतलब नहीं, पहली बात पहले तो था सर। हाँ मतलब देखो पहले तो जस्टिस का कार्ड निकला है तो ये तो निश्चिंत रख, कोई ना कोई डिवाइन ऐसा जस्टिस कर लिया है। अगर तेरी शादी 35 साल की उम्र में भी नहीं हुई ना तो किसी कारण से नहीं हुई, कई बार ऐसा होता है। जैसे अभी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, फिर इतना बोल सकता हूँ कि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया तो अगर तेरी शादी अभी तक नहीं हुई है तो तेरे साथ जस्टिस हुआ है, अन्याय नहीं हुआ तेरे साथ। कई बार हमें पता चलता हम कहते ना यार भगवान तो क्या कर रहा है, भगवान सोच समझ के कर रहा है, इससे पहले होती तो शायद कुछ अलग चीजें हो सकती थी। सर मैं तो सबर रखती हूँ। सबर रखती हूँ पहली बात, दूसरा कार निकल कर आया है, देखो कुछ ना कुछ आप ना डरे हुए थे पहले, यार क्या मन में बहुत सारे डाउट्स हैं आपको शादी के लिए रिलेटेड, पहले वो हटा ले। कहीं ना जो हमारे थॉट लेवल पर हम चीज सोचते हैं ना, हमारा जो डर होता है वही हमारी अपॉर्चुनिटी को रोकता है। बता दूं मैं आपको, सबसे पहले आप क्रिस्टल क्लियर होइए कि डर की जरूरत नहीं है, जितने भी तुम्हारे ना शादी को लेके इनसिक्योरिटी है कोई डर है वो निकालो, सबसे पहले वो निकाल दो। ऐसा नहीं सबके साथ अच्छा होता है, होता कुछ आपने गलत चीज सुनकर शादी को निकाल दे ठीक है। लास्ट कार्ड निकला था एम्प्रेस कार्ड, ये शादी के लिए दी बेस्ट कार्ड है ठीक है, और ये मेरी बात तो लिख ले, आप मुझे खुद फोन करेंगे बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी, लेकिन सिर्फ एक काम करना है आपके अपने मन से जो जो इनसिक्योरिटी है या कुछ डर है ना एक शादी का या कुछ कुछ किसी को भी लेकर सबसे पहले वो निकाल दे ठीक है, वो निकाल दे। और एक काम करना शुरू कर दे, हर शुक्रवार के दिन किसी ओल्ड एज लेडी को ठीक है कोई मीठी चीज खिलानी शुरू कर दे बस। ओके सर थैंक यू। तेरा अपना ढूंढती ढूंढती ना मेरे को अपना आप आ जाएगी, कभी मुझे ढूंढना तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, गूगल पर सिर्फ डॉक्टर नागेश तन्वर लिख देना ठीक है, तो सबसे पहला काम नाम मेरा ही निकल गया है सर, इतना बता देना। ठीक है सर थैंक यू सो मच। ठीक है सर थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, ब्लेस यू। थैंक यू बेटा। सामर्थ, सामर्थ मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, एक्चुअली मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ जुडिशरी की, तो मेरा क्लियर हो जाएगा आगे? जुडिशरी कब है एग्जाम? एग्जाम अभी होना था बट अभी कोरोना के कारण मतलब अगस्त सितंबर हो सकता है। अच्छा, मतलब मेरा फ्यूचर कैसा है बेसिकली, मैं जज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जज के लिए हो जाएगा मेरा? सर देखिए बिल्कुल आपने करते करते निकाल लिया मैंने, और सबसे पहले दामून का निकल कर आया ठीक है, थोड़ा मन को स्ट्रॉन्ग कर लो, मन को स्ट्रॉन्ग कर लो, कहीं ना कहीं कभी कभी मन आपका बहक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है मेंटल लेवल पर ठीक है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है आपको, कभी खुश है मन आपका, कभी मन आपका बहुत उदास में चला जाता है, डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है, मन को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद कहा निकल गया एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, बहुत क्रिएटिविटी का कार्ड है, डिवाइन हैंड इसमें निकल कर आया, दैट मींस जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस की तरफ जाता है। फिर लास्ट में आपने कार्ड में निकाल ही रहा था तीसरा, आपने थोड़ा चेंज कर दिया, पहले अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं फिर आपने बोला जज बनना है ठीक है, जुडिशरी में तो आप सोचता है लॉयर भी बन सकते थे, वो भी जो जुडिशरी एक तरह से, मुझे नहीं पता ना आप लॉयर तो अलग चीज होगी, लॉयर समझ गया मैं समझ गया सर, लेकिन है तो वो भी जुडिशरी से रिलेटेड ना, कि भाई वकील बनना है तो वो भी तो जुडिशरी है हमारे लिए, तो वही है एक तरह से, लेकिन फिर लास्ट में क्लियर हो गया, लास्ट में कहा निकल गया द एम्परर कार्ड, और ये जज ही है एक तरह से, ये जज है कार्ड सर, बिल्कुल पॉजिटिव आए हैं दोनों के दोनों, सिर्फ आप माइंड से अगर स्टेबल हो जाते हैं
पहला कलर का मुंह निकल कर आया है, ये थोड़ा सा ऑब्स्टिकल बता रहा है कि मेंटल लेवल अगर आपका स्ट्रॉन्ग बन गया, डेडिकेशन अगर आपने दिखा दी तो आप ये जज की कुर्सी में बैठ गए, ये जज ही है सर हमारे, हमारी नजर में जज है, मतलब जुडिशरी का अच्छा है, मतलब मेरा बनने का है, बिल्कुल अच्छा है, कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव निकल कर आया है और डिवाइन इसमें हैंड निकल कर आया है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आया है, बहुत बढ़िया कार्ड है, ठीक है, थैंक यू, हमारे हिसाब से आप बन जाएंगे सर, डेफिनेटली बन जाएंगे, थैंक यू, थैंक यू, सुष्मिता, हेलो सर, हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मतलब मेरी जो है मैरिज का क्वेश्चन था कि मेरी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी और कब तक होगी, मेरी अभी 27 एज है, 26-27 ओके, पहला कार्ड तो आया 8 नंबर का, 8 नंबर का कार्ड है आपका, 10 स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है, ये कार्ड वैसे पॉजिटिव कार्ड है, तो आप सबसे पहली बात तो आपने पूछा लव मैरिज होगी नहीं होगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले कोई भी कार्ड यहाँ पर कप्स का कार्ड निकल कर नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कार्ड की मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, बेशक आप किसी से प्यार करती हो नहीं करती हो हमें नहीं पता, लेकिन कार्ड ये दिखा रहे हैं कि लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपकी, आपकी आज की रीडिंग के हिसाब से, अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया, मतलब हाल तो लग नहीं रही है, अगर करोगे भी आप तो कहना कि तलवार की धार पर चलना पड़ेगा लव मैरिज करने के लिए, ठीक है, दूसरा अभी थोड़ा वक्त है आपकी शादी में, क्योंकि टेन ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल गया, पेंटाकल के कार्ड क्या बताते हैं, पेंटाकल के कार्ड आपकी चीजों को डिले करते हैं, तो अभी शादी आपकी थोड़ी डिले है सर, कितने डिले हो सकती है, समझ लो 8 यानी कि इस साल के एंड के बाद ही होगी, मतलब 10वें महीने के बाद मान के चल सकते, 10 महीने के बाद में, अक्टूबर के बाद सर, फिर क्या मतलब क्या मानूं फिर मैं, मतलब अक्टूबर के बाद होगी शादी आपकी, और अगर आप कहीं प्यार मोहब्बत करते हैं तो वो आपका प्यार इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होने वाला, उसके लिए आपको तलवार की धार पे चलना पड़ेगा, तलवार की धार समझते हैं आप, लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है, घर वाले ना माने, उसके ना माने, आपके ना माने, और ऐसा चल भी रहा हो, अच्छा मतलब नहीं होगी, मैंने ये नहीं बोला, मैं कहा होगी तो बहुत जद्दोजहद करके तलवारें खिंच जाएंगी तब जाके होगी, अगर होगी भी तो कार तो मना कर रहे हैं कि इजी ढंग से नहीं, हाँ जी, अच्छा ठीक है सर, तो अभी कोई दिक्कतें हैं चल रही है, अभी हो सकता है, हाँ। बस ठीक है, समझ जाइए, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इस बात, मैं कार तो दिक्कत समझ रहा हूँ, आपको पता ही अपने बारे में, पड़ेगी तलवारें खिंचेंगी पहले बात बनेगी बनेगी, अच्छा सर, कोई आपकी तरफ से कोई रेमेडी, कोई रेमेडी नहीं बेटा, एक काम कर ले तू, भी अगर तू चाहती है उसी को पाना, ठीक है, हाँ, तो हाँ. एक काम कर ले, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, हर मंडे के दिन, सोमवार के दिन आपने जो शिवलिंग होता है ना, माँ पार्वती और शिवलिंग के ऊपर एक धागा बांध के आना 7 बार, और ये करके बांधना, कोई पर्टिकुलर चीज मत मांगना, उसी इंसान को मत मांगना जिससे आप प्यार करते हो, ये मांगना कि मेरी लाइफ में दी बेस्ट जो इंसान है वो मुझे मेरी लाइफ में भेज दो, हम नहीं जान रहे होते ना कि हम चाहते हैं वो दी बेस्ट है या नहीं, आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, ये धागा ये मांग के आओ जल्दी से मेरे जीवन में वो इंसान आ जाओ मेरे लिए बेस्ट है, दी बेस्ट है, ठीक है, अच्छा सर कैसे करना है, शिवलिंग के ऊपर जो होगा माँ पार्वती होगी ना, शिव परिवार जो होता है लाल रंग का कलावा, कलावा जो होता है वो माँ पार्वती और शिवलिंग पर 7 बार बांध के आना, 7 बार बांध के आ जाना है, और कुछ भी नहीं मांगना है, बस सिर्फ मांगना है, सिर्फ ये मांगना है कि जल्दी से मेरा जीवन साथी मिले और जो दी बेस्ट हो मेरे लिए वो मिले, बस अगर ये दी बेस्ट होगा तो आपके लाइफ में आ जाएगा, चाहे लड़के आ जाए नहीं तो निकल जाएगा, और सर कितने सोमवार करना, ये अभी एक सोमवार तो कर, एक सोमवार कर ले, एक सोमवार कर, बस ओके, थैंक यू वेरी मच सर, V2029 पहली बात तो नाम लिख कर आया करो, मैं ले रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नाम लेता नहीं हूँ, लेकिन सॉरी सर, लवीना लवीना जी, ईश्वर ने आपको एक नाम दिया है, आपने नाम दिया, नाम के पीछे तो सब कुछ है, हाँ सही कह रहे हैं आप, नाम नहीं रखेंगे तो आप अपने आप को छुपा रहे हो, सोचो छुपाता कौन अपना नाम, कौन छुपाता है, जो गलत करता है गलत कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, बताओ
मेरा नाम है, बोल्ड लेटर में लिख कर आओ। यस बताइए सर। एक्चुअली मुझे पूछना है, मेरे ससुर जी ने किसी को लॉकडाउन से पहले उधार दिए थे, काफी बड़ी रकम है, वो हमें अभी तक मिल नहीं रही है, वही मुझे पूछना है क्या मिलेगी और कब तक मिलेगी और कब तक मिलेगी। मतलब ये 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं और ये लोग इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं, 8,000 रुपए में लोग मुझे जुड़ेंगे। म्यूट तो कर लो सबके लिए, म्यूट कर लीजिए। काम करा एक घंटा होगा, म्यूट कर लो, ऐसे मत करो। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपका निकला है, तो कार्ड जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए भाग्य का कार्ड निकला है आपका, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, पैसे आपके मिल जाएंगे ये तो श्योर हो गया पहले कार्ड से। दूसरा कार्ड नाइट ऑफ कप का निकल कर आया है, तो ये समझ लीजिए कोई ना कोई मैसेज उनकी तरफ से आने वाला है पैसे के लिए, बेशक वो कहे जी हम आपको थोड़ा लेट देंगे क्योंकि कप के कार्ड निकल कर आए हैं। ये अगर सूट के कार्ड निकल कर आते तो मैं कहता कि बहुत जल्दी पैसे आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वहां से जरूर कोई ना कोई आपको विद इन ए मंथ आपको मैसेज जरूर आएगा कि हम पैचअप करना चाहते हैं या हमारी तरफ से डिले हो गया, हम आपको तब पैसा देंगे ऐसा देंगे। एक महीने के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं आने वाला है। और ये लास्ट कार्ड ये निकल कर आया, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड भी बहुत बढ़िया है और ये भी ये दिखा रहा है कि एंड ऑफ द डे मतलब आखिर में आपको पैसे मिल गए और आप ऐसे रिलैक्स बैठे हो। ठीक है, तो पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सब्र करना पड़ सकता है बस। कार्ड तीनों के तीनों कार्ड पॉजिटिव आए, ठीक है, तीनों कार्ड पॉजिटिव आए और इसी महीने उम्मीद है विद इन ए मंथ, तो इस महीने बोल सकते हो या फिर अगले महीने की 15 तारीख तक आप बोल सकते हो कि आपको जरूर। ओके चलो, प्रीति चक्रवर्ती। प्रीति हेलो सर। ओके, सबसे पहले मुझे तो ये बोलना है, मैं बेसिकली आई एम अ ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनल, ठीक है। तो मेरे साथ कभी कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस हुई है कि मुझे ऐसा लगता था लोगों को इतना हेल्प करके भी मैं हमेशा हर्ट होती हूँ, मे बी आई एम टू सेंसिटिव और समथिंग लाइक। काफी मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े ऐसे रहे हैं कि एवरी टाइम अच्छा करो और बुरा मिलता है उल्टा, क्योंकि एज अ साइकिक ग्रास्प पर मुझे जल्दी पता चल जाता है सामने वाले का मन दिमाग में क्या होता है, तो मैं हमेशा इन चीजों से दूर भागना चाहती थी, स्पिरिचुअलिटी से या किसी को कुछ करने से, इसलिए मैंने हमेशा कुछ और करो अर्निंग हो या नाम के लिए कुछ के लिए। फिर भी मैं कहीं ना कहीं से इसी में ड्रैग हो रही हूँ, अननोइंगली भी, और मैं इन चीजों से ना दूर नहीं भाग पा रही हूँ, तो ये चीज मुझे कितना तक हेल्प करेगा, हाउ इज माई करियर इन दिस फील्ड, बी वेदर आई विल बी एबल टू डू और अर्न लाइक नेम फेम व्हाटएवर, ये थोड़ा मेरे को प्लीज बता दीजिए। पहली बात तो कुछ बर्डन आपके ऊपर ज्यादा है क्या, ये बताओ पहले, मतलब कुछ घर की रिस्पांसिबिलिटी या कोई बर्डन ज्यादा है, क्योंकि पहले 10 ऑफ वांड्स निकल कर आई है। हां मैं काफी सेंसिटिव हूं तो चीजों को जल्दी दिमाग में जल्दी बर्डन ज्यादा ले लेते हो, ठीक है, कि बर्डन बहुत ज्यादा है। दूसरा कार्ड निकल कर आया था एम्परर कार्ड निकल कर आया आपका, ये कार्ड भी बढ़िया है, एम्परर कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के काम आ सकता है अगर आप उसको देना चाहें, आप यू आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी, उम्र पे नहीं जा रहा आपके नॉलेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, इतनी दाढ़ी सफेद इंसान कहता है ना ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, तो इसका मतलब है एज की बात नहीं है, बात आपकी नॉलेज की है, तो आप नॉलेज रखते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसको देने चाहिए आप लोगों को। लास्ट का निकल कर आया टू ऑफ कप्स का, ये बहुत इमोशंस का कार्ड है और ये भी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जितना गिव एंड टेक आप रखेंगे दुनिया के साथ उतनी ही डिवाइन आपको हेल्प करने वाली, तो आपको ना ये जो आपके इमोशंस है आप सबका भला करते हैं, सिर्फ ये सोच के करना बंद कर दीजिए कि मैं किसी का भला कर रही हूँ तो मेरे लिए वो क्या सोचता है क्या रिटर्न करेगा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि अभी आप जो थोड़ी बहुत रुक रहे हो ना वो ये है गिव एंड टेक में थोड़ा विश्वास कर रहे हो, छोड़ दो कोई बात नहीं, जिसका कर रहे हो उसको भूल जाओ, आप देने के लिए बने हो दुनिया को, बस देने के लिए बने हो। तो मुझे प्रोफेशन हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल 100% करेगा जी, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो आपकी एक्सपीरियंस वाली नॉलेज जो आपको एक्सपीरियंस है वो दुनिया को बांटो, इतना बांटोगे उतना आपको डिवाइन और आपको देगा, ये मतलब। ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा क्योंकि 10:30 हो गया, फिर मेरे को अभी पूजा भी करनी है।
इसका हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने पूछा मेरी नजर इसी पे पड़ गई, नीता जी की। नीता जी आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं किया? 25 साल की आपकी बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम क्या है नीता जी? बेटी का नाम अच्छा मेरा पुनिया में है, एक घंटा होगा मैं नुगा लास्ट लूंगा, उसके बाद 10:30 होगी। सबसे पहले तो देखे कार्ड निकल के आया द डेविल कार्ड, ठीक है, ये कार्ड शादी के लिए दी बेस्ट कार्ड है, तो कहना कि बच्चा बंधन में बंधने वाला है, ठीक, तो शादी होने वाली है बच्चे की। दूसरा कार्ड निकल कर आया किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, ठीक है, कप के कार्ड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चे से एक बार पूछ लो कहीं वो रिलेशनशिप में तो नहीं है किसी के साथ, या उसका मन कहीं ना कहीं टिका हुआ है, एक बार पूछ लेना, ठीक है, आप ये पूछ लो एक बार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्ची इन्वॉल्व है या उसका मन कहीं और भी हो सकता है, ठीक है, पहले बार बच्चे से पूछ लिया। दूसरा नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया सेवन ऑफ पेंटाकल का, ठीक है, तो यही निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं कार्ड रीडिंग यही कह रही है तीनों को मिलाकर कि बच्ची जो बच्ची अभी है हमारी वो कहीं ना कहीं अभी कुछ करना नहीं चाह रही, या तो वो करना नहीं चाह रही या फिर वो किसी ना किसी के साथ उसका मन कहीं और है अभी, ठीक है, तो आप एक बार बच्ची से पूछो कहीं वो कहीं किसी को पसंद तो नहीं करती, ठीक है, और वो आपको बताना पा रही हो या वो चाह रही हो आगे उसने खुद ना बात की हो अभी, तो पहले बच्ची से एक बार पूछ लो आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर वही रुकावट बन रही है, इसलिए बच्ची शादी में कुछ आपको डिले हो रहा है या आपको लग रहा है कि बच्ची के लिए कोई बच्चा मिल नहीं रहा, ठीक है, थैंक यू सर, तो आप पूछ लो उनसे, ठीक है। तो सॉरी मैं जिसका आंसर नहीं दे पाया, तो मेरी किसी गलत इंटेंशन नहीं है किसी के लिए भी, मैं जिसका नहीं दे पाया डिवाइन नहीं चाहती मैं उसका आंसर करूँ, ठीक है, मैंने 10 बजे तक का शेड्यूल किया था ये और 10:30 हो चुका ऑलरेडी और फिर मुझे भी व्रत खोलना है, ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैं 4 बजे पढ़ा रहा हूँ और अब 10 बज गए, 6 घंटे मुझे लगातार कंटेंस बोलते हो आपको आवाज से ही पता लग रहा हो, ठीक है, मैं देखिए मैं किसी का ना दोस्त है ना कोई दुश्मन, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, मैं किसी का आंसर नहीं दे पाया तो ये मुझे मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो 3-4 बोला था फिर भी मैंने 8-10 क्वेश्चन ले लिए, जिसका नहीं आ पाया तो नेक्स्ट टाइम सही, डिवाइन नहीं चाह रही आपका आंसर देना, ठीक है, चलो ओके जी, थैंक यू, जिसने कोर्स करना है तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी मेरे से फोन पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप भेज सकते हो, और फिर किसी सेशन में ग्रुप में बने रहिएगा, वहां पर आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियो हमारे कंटेंट वो आपको मिलते रहेंगे, थैंक यू। मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हो और वहां पर बहुत सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं तो आप वहां पर भी देख सकते हो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ओवर, ओके, थैंक यू।